भजन करा महारानी। पहले पहर तेरा किया ना भजन ना बिठी बिठी ताड़ी सबने बजानी है। पहले पहर तेरा किया ना भजन मां, देना देना अन्न धन दान मेरी माता। दूसरे पहर तेरा किया ना भजन मां, देना देना बुद्ध प्रकाश मेरी माता। तीसरे पहर तेरा किया ना भजन मां, देना देना शक्ति का दान मेरी माता। चौथे पहर तेरा किया ना भजन मां, देना देना मुक्ति का दान मेरी माता। चार पहर के अंदर इंसान सब कुछ मां को मंग लेता है, अंत समय के अंदर भी मुक्ति का दान मंगता है, क्योंकि भजन एक बारी भी नहीं करता। भजन एक बारी भी नहीं करता, जो पैदा होया ता भी रोंदा आया, जो जवान होया मौज मस्ती के बीच निगाहते समय, जो ब्याह शादी होगी फिर कबीलदारी के बीच उलझ गया, और चौथे पहर के बीच इंसान उलझ गया। हाँ नोपा जी माइक लो। अच्छा है गल कोई बोल दे। बोल सच्चे दरबार की। प्रथम जो पूजिया आप नारायण, आप नारायण मैं वारे जामा। द्वितीय सावन मात जो तातो वारे वारे जामा। द्वितीय सावन मात जो तातो वारे वारे जामा। हरे हरे गोबरी अंगना दी पावा, हरे हरे गोबरी अंगना दी पावा। गज मोती चौक बरामा जो तातो वारे वारे जामा। चौक बरामाई जो तातो बारे बारे जामा। उपत में उपजिया आप नारायण, उपत में उपजिया आप नारायण। द्वितीय सावन मात्री जो तातो बारे बारे जामा। द्वितीय सावन मात्री जो तातो बारे बारे जामा। बीज उपजिया तीन धनी देवता, बीज उपजिया तीन धनी देवता। चौथे सकल संसार जो तातो बारे बारे जामा। चौथे सकल संसार जो तातो बारे बारे जामा। बिटी बिटी ताड़ी बजानो नींद नहीं आएगी। चौथे सकल संसार जो तातो बारे बारे जामा। चौथे सकल संसार जो तातो बारे बारे जामा। भज में जो उपजिया पाचो पांडव, भज में जो उपजिया पाचो पांडव। छे में छठा नारायण जो तातो बारे बारे जामा। छे में छठा नारायण जो तातो बारे बारे जामा। सत में जो उपजिया सातो दीप मां, सत में जो उपजिया सातो दीप मां। अष्ट में अष्ट भुजा मात जो तातो बारे बारे जामा। अष्ट में अष्ट भुजा मात जो तातो बारे बारे जामा। नौ में जो उपजिया नौ में नराते, नौ में जो उपजिया नौ में नराते। नौ में जो उपजिया नौ नाथ, नौ में जो उपजिया नौ नाथ। दस में दस अवतार जो तातो बारे बारे जामा। दस में दस अवतार जो तातो बारे बारे जामा। ग्यारह में जो उपजिया ग्यारह रुदरिया, ग्यारह में उपजिया ग्यारह रुदरिया। बारह में बारह मास जो तातो बारे बारे जामा। बारह में बारह मास जो तातो बारे बारे जामा। तेरह में उपजिया तेरा रतन मां, तेरे में उपजिया तेरा रतन मां। चौदह में चौदह भवन जो तातो बारे बारे जामा। चौदह में चौदह भवन जो तातो बारे बारे जामा। मंदिर
मंदिर में उपजिया पंद्रह तिथियां, मंदिर में उपजिया पंद्रह तिथियां, सोन में कलाए संपूर्ण इजो तातो बारे बारे जावा, सोन में कलाए संपूर्ण इजो तातो बारे बारे जावा। आधी आधी रात देवा सिंह पलानिया, आधी आधी रात देवा सिंह पलानिया, कहां चली आधी रात इजो तातो बारे बारे जावा, कहां चली आधी रात इजो तातो बारे बारे जावा। भगता मेरिया यज्ञ रचाया, भगता मेरिया यज्ञ रचाया, वहां चली आधी रात इजो तातो बारे बारे जावा, वहां चली आधी रात इजो तातो बारे बारे जावा। लंगर वीर मादी मिनता करदा, लंगर वीर मादी मिनता करदा, मैनू भी ले चले नाल इजो तातो बारे बारे जावा, मैनू भी ले चले नाल इजो तातो बारे बारे जावा। तो क्यों डरदा बालक मेरे, तो क्यों डरदा बालक मेरे, सब भगता ने जाना पहुंच इजो तातो बारे बारे जावा, सब भगता ने जाना पहुंच इजो तातो बारे बारे जावा। और चढ़ावन फुल पतासे, और चढ़ावन फुल पतासे, क्या मेरी भेंट ले आए इजो तातो बारे बारे जावा, क्या मेरी भेंट ले आया इजो तातो बारे बारे जावा, क्या मेरी भेंट ले आए इजो तातो बारे बारे जावा, क्या मेरी भेंट ले आया इजो तातो बारे बारे जावा। और चढ़ावन फुल पतासे, और चढ़ावन फुल पतासे, और चढ़ावन फुल पतासे, और चढ़ावन फुल पतासे, बछड़े ने शीश चढ़ाया इजो तातो बारे बारे जावा। बिनती है गल्ला ना करो, जे किसी ने गल्ला करनिया या सोना है वो जा सकता, कोई नहीं किसी को रोकेगा। जिसने तारा राणा की कथा सुननी है, प्रसाद लेना है, वो बैठो, वरना जिसने गल्ला करनिया या सोना है वो जा सकते, कोई नहीं किसी को रोकेगा, क्योंकि वो भागा वाले होंगे ने जेडे तारा राणा की कथा सुनते हैं जागरण के विच। असली जड़ा मूल मंत्र है जागरण का, वो है तारा रानी की कथा। जिस जागरण के अंदर तारा रानी की कथा ना सुनाई जाए, वो जागरण भी संपूर्ण नहीं होता। अगर कोई भगत सारी रात बैठ के जगराते दे विच तारा रानी की कथा ना सुने, तो उसका बैठने का भी सारी रात कोई फायदा नहीं। सो मेरी प्रार्थना यही है कि तारा रानी की कथा जो है वो मैं शुरू कर ले जा रहा, प्यार दे नाल कथा सुनो। जय माता दी। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੱਪੜ ਲੈ ਲਓ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੈਕਰ ਬੋਲੋ, ਬੋਲ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਜੈ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਕਾਜੂ ਬਦਾਮ ਦਾ ਕਾਕੋ ਪਾਚਵਾਰੇ ਆ ਫਲ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਾਹ ਛਣਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਮੈਂ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। लंगर अपने घर जाके खायो, आलू वाले परोठे बना के किते, वो भी कहते हो राजू बाबा जी नाश्ता तो कराओ। सच्चे दरबार की जय। दरबार की जय। सो मैं कथा सुना रहा, सबसे पहले नारियल की कथा कि नारियल क्यों चढ़ाया, किसने चढ़ाया, कदों चढ़ाया सीगा। बच्चों एक गुड़ियो देवियो सीधे होके बैठो, क्योंकि गल्लां नहीं करनियां, जे तुसीं गल्लां करोगे तां मेरा जिहड़ा ध्यान है कथा दा ओह किते होर चला जांदा। सच्चे दरबार की जय। इह नारियल इक मां दा भगत होया है नंद लाल, जिहड़ा कि हर साल मां वैष्णो नैना देवी दरबार ते नंगे पैर पैदल यात्रा जाया करदा सीगा। कई साल ओह मां दे दरबार ते नंगे पैर पैदल यात्रा जांदा रहा। कई साल जाते जाते उम्र उन्हां दी होगी थोड़ी जी ज्यादा,
और बुजुर्ग हो गए, चलन फिरन तो भी लाचार हो गए सीगे, फिर भी उन्होंने मां के दरबार से जाने की तैयारी करनी शुरू। जदों दरबार से जाने की तैयारी करी, नंगे पैर पैदल यात्रा घर तो निकल पे। जदों घरों निकले, जाते जाते रस्ते के विच पैर की ठोकर लगी, रस्ते च गिर गया और गिरते ही मां नूं याद करे कि मां मैं किवें तेरे दरबार से आवां, मैं तो चलिया नहीं जा रहा, मैं चलन फिरन तो लाचार है, मैं तेरे दर्शन किस तरह पाउण लई आवां। उस टाइम मां ने 5 साल की कंजक का रूप धारिया और नंद लाल की बाह फड़ के भवना वाल लै गई। अपने जदों भवना वाल नजारी सीगी, जाते जाते मां ने उहदी बाह फड़ी और अपने दरबार ते ले जाके उसनू दर्शन दिते। बहुत सच्चे दरबार की जदों दर्शन दे, उस टाइम नंद लाल हाथ जोड़ के खड़ गया कि मां मैं तो सोच रहा सीगा कि कोई सुधारण करना है जो मेरा हाथ फड़ के लेके जा रही, मैनू नहीं पता सीगा कि साक्षात आज शक्ति जगदम्बा मां मेरे नाल जा रही है। बहुत सच्चे दरबार की जदों मां दे दर्शन करे, मां नूं कहा कि मां इस साल तक चल के मैं तेरे दरबार पे आ गया, तेरे दर्शन पा ले, लेकिन आने वाले समय जिहड़े आने वाले चाले आ रहे हैं, मैं तेरे दरबार ते नहीं आ सकांगा क्योंकि मैं चलन फिरन तो लाचार हो गया। फिर मां ने कहा कि नंद लाल अगर तू नहीं मेरे दरबार से चल के आ सकता, मैं तो तेरे घर आ सकती है। बहुत सच्चे दरबार की ताड़ी बजा करो। मैं तो तेरे घर आ सकती है। जब मां ने नंद लाल को कहा, उसी टाइम हाथ जोड़ के खड़ गया कि मां अगर ऐसा हो जाए मेरा तो जीवन ही सफल हो जाए। जे मां मेरे घर दे विच तू दर्शन देने लई आ जाए तो मैनूं होर कुछ नहीं चाहिदा संसार दे अंदर। मां ने वादा करा के जा नंद लाल, सावन दे चाले जदों आणगे, अष्टमी वाली रात नूं मेरे नाम की जोत अपने घर दे विच जगाई, साक्षात मैं तैनूं तेरे घर दे विच दर्शन देने लई आवांगी। बहुत सच्चे दरबार की मां ने वादा करिया। नंद लाल अपने घर आ गया। उही समय मां दी पूजा पाठ नितनेम, मां दा भजन कीर्तन करना समय बीतता गया, समय बीतता गया। आखिर उही सावन दे चाले नजदीक आ गए। जदों सावन दे चाले नजदीक आए, नंद लाल ने अपने रिश्तेदार भैन भरावां नूं सारां नूं निमंत्रण दिया, भगता कोल गया, भजन मंडलिया कोल गया, सारे नूं सुनेहा लाया कि भगतो अष्टमी वाली रात नूं मेरे कर्मां दी जोत जगनी है और तुसीं सारे ने मेरे घर आना है। और बड़ी खुशी की गल यह है कि साक्षात आज शक्ति जगदम्बा मां मेरे घर मैनूं दर्शन देण लई आएगी और तुसीं भी भागा वाले होवोगे, तुहानूं भी मां दे दर्शन हो जाणगे। बहुत सच्चे दरबार की जय। सारा ने निमंत्रण दिया, सारा ने बुलावा दिया। अष्टमी वाली रात आ गई, जोत जिदा सी तैयार करी सी रात, उस तरह ही उन्होंने भक्त ने जोत तैयार करी। जोत तैयार करके भजन मंडलियां इस तरह घेरा पाके बैठ गई, जोत गब्बे रख ली, बड़े बड़े छैने, पक्का भजन जिन्हों पक्का भजन कहते हैं, वो पक्का भजन सब तो ज्यादा मैंने करते सी, सब तो ज्यादा पक्का भजन मेरे परिवार करता सी। पक्का भजन उन्होंने किया, थैले भर के लियाए छैणियां दे, गब्बे रख दिया, छैणे चक्के भगतां ने, जाग ज्वाला मां जाग ज्वाला मां जाग ज्वाला मां जाग ज्वाला मां जाग ज्वाला मां, छैणे बजा बजा के मां दी जोत दा प्रकाश करता। बोल सच्चे दरबार की, क्योंकि अजकल आपां कहिंदे मुश्कपुर लगाओ, माचिस बालो, ये करो वो करो ता जोत जगाने, उस टाइम कुछ नहीं, माचिस लाइट भी कुछ नहीं होता सीगा, आ छैणियां दे नाल ही मां दी जोत नूं प्रकाश करदे सीगे पक्के भजनां दे नाल। बोल सच्चे दरबार की, मां दी जोत दा प्रकाश होया।
जकरा जला मिया जी दा ज्योति का प्रकाश हो गया, भजन शुरू हो गया, भजन करते 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 अद्धी रात का समय हो गया, बोल सच्चे दरबार की। जब अद्धी रात का समय होया एक भगत उठा कहता नंद लाल तू सानू सुनेहा लगाया सीगा कि मेरी घर मां आएगी दर्शन दे ले, तुसी भी दर्शन कर लेना, कित्थे है तेरी मां? अजे तक तेरी मां नहीं आई, तू सानू झूठ बोल के तो नहीं बुलाया? ओ भक्त ने आवाज दी कहना तू भी झूठा ते तेरी मां भी झूठी जिहड़ी वादा करके आई नहीं, बेइज्जती करके ताने मार के चला गया हो। दूसरा भगत उठा, दूसरे में भी सवाल करया, तीसरा उठा, तीसरे में सवाल करया, एक एक करके सारा पंडाल खाली हो गया। जदो नंदलाल ने देखा कि सारे चले गए मेरी बेइज्जती करके, नंदलाल ने छैणा चक्या अपनी गर्दन ते मारिया, कट के शीश माधे चरणा च चढ़ाता, बोल सच्चे दरबार की जय। जदों शीश कट के मां दे चरणां दे विच चढ़ाया, उसे टाइम 5 साल दी कंजक दे रूप दे विच मां आई, जिन्नी देर च आपां अख दी पलक चपकदे जिन्ने सकिंटां दे विच, उन्ने सकिंटां दे विच मां ने शीश चक्या, धड़ दे नाल लाया, जलदा छिट्टा दे के आशीर्वाद दिया कि नंद लाल मैं तेरी भगती तो बहुत खुश है, मैं तेरी भगती तो बहुत खुश है, तू मंग जो मंगना चाहता, संसार दी कोई भी वस्तु तू मंगेगा मैं उही तेरी मुराद पूरी करांगी, बोल सच्चे दरबार की। नंद लाल कहता मां तेरा दिता मेरे को बहुत कुछ है, मैंने कुछ नहीं चाहता, पर हां एक गुस्सा, अगर तू थोड़ी देर पहला आ जाती, जेड़े भगत मेरी बेइज्जती करके गए हैं मां, मैंने उन्होंने ताने ना सुनने पैदे, बोल सच्चे दरबार की। फिर मां ने कहा कि नंद लाल अगर मैं चाहती मैं उस समय आ सकती सी जदों मेरे नाम की जोत का प्रकाश होया, जो जोत जगाई गई सी मैं उस टाइम भी आ सकती थी, लेकिन उस टाइम मैं क्यों नहीं आई, मैं देखना चाहती सी कि केड़ा केड़ा भगत सच्चे मन के नाल आया है, केड़े केड़े भगतों ने मेरे दर्शन की इच्छा है, और केड़े केड़े भगतों के मन के अंदर पाप भरिया होया है, मैं देखना चाहती सी एक तू मेरा सच्चा भगत, बाकी सारे जिहड़े गए हैं तेन ताने मार के गए, तेरी बेइज्जती करके गए हैं, वह भगत पापी सी, उन्होंने मन के पाप सीगा, इस करके मैं नहीं है, तू मंगना मंगना जो मंगना चाहता। नंद लाल कहता मां मैं अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, पर हां इस समय तो मैं अपना शीश कट के मां तेरे चरणों के चढ़ाया, लेकिन आने वाला समय जिहड़ा अज चल रहा है, आने वाला समय ऐसा आएगा मां कोई शीश तक ही अपने हाथ की चीचली उंगली भी नहीं कट कट चढ़ा सकेगा, वो सच्चे दरबार की। ऐसा समय आएगा शीश तक ही कोई अपने हाथ की चीचली उंगली भी कट के नहीं चढ़ा पाएगा, मां कोई ऐसा वरदान दे, कोई ऐसा उपाय कर कि किसी भक्त को भी अपना शीश कट के ना चढ़ाना पड़े, वो सच्चे दरबार। सोना नहीं यहां, सोना नहीं जो सोवत है वो खोवत है, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है, कहता दिता पावत है, पर अखा थोड़ी भी पिछी जा रही है, सच्चे दरबार की। एक दूजे ने एमने टक्करा मारी जाइयो, चुस्त होके बैठो, क्योंकि तुसी सुते पए हो, माता रानी तुहाडे कोलों लंघ जी, जागरण दे विच जागरण, जागरण का मतलब है जागना, और रण का मतलब है लड़ाई, लड़ाई किस चीज नाल कर रहे हैं? नींद नाल। जब सोंदा होवे इंसान, जब कोई उठांदा कहता ना यार सोण दे नींद आ रही है, कितनी प्यारी नींद होती है इंसान की। तो देखो अपा एक रात सच्चे मन दे नाल अगर आप जाग जावांगे, एक कई वर्षों का फल मिलता है इंसान को, सच्चे दरबार की। अजकल तक कोई मंगे तो चीज नहीं दिता, ये तो मां है जगत मां, ये बगैर मंगे दे देती है जे भावना सच हो गई, सच्चे दरबार की। तो उसने मंगया कि मां कोई ऐसा वरदान दे किसी भी इंसान को अपना शीश कट के ना चढ़ाना पवे। फिर मां ने कहा कि जा नंदलाल
अज तो बाद मैं किस दा कटिया होया शीश स्वीकार नहीं करांगी, शीश दे रूप दे विच मैं नारियल दी पीर स्वीकार करांगी। ताड़ी बजा दो। शीश दे रूप दे विच मैं नारियल दी पीर स्वीकार करांगी। ए उस टाइम तो बाद ए नारियल चढ़न लग गया। उस भक्त ने अपना शीश कट के चढ़ाया सीगा और अज दे समय दे विच ए नारियल चढ़दा है। इसकी भेट मनी जाती है नारियल की। और आप एक ध्यान जरूर रखना चाहिए, आप नैना देवी जाने, काली माता मंदिर जाने, वैष्णो देवी जाने, किसी भी तीर्थ स्थान पर जाने, आप एक प्रसाद ले लेने एक टोकरी च, उस नारियल भी होंगे और भी प्रसाद होता है। कि तुसी कदे नारियल चेक करके देखे भी नारियल सही है? 100% नारियल ठीक नहीं होता, वो फोका नारियल होता है, खाली सुखा, उसकी भेट कदे नहीं चढ़ती है। जे आप हूं सुखा नारियल चढ़ाए तो अपनी झोली कितना हरी हुई। कदे भी नारियल चढ़ाना हो उस नारियल की परख करो कि नारियल शुद्ध है और ठीक है और पानी वाला है। नारियल की परख करो, फरका के देखो कि उसके अंदर पानी है नहीं है, क्योंकि सुके नारियल की भेट नहीं चढ़ती होती। तो नारियल हमेशा कभी भी चढ़ाना हो नारियल फ्रैश नारियल लो, वधिया देख के लो, 10 रुपए फालतू दे दो। लेकिन आज जो दुकाना से मंत्रा के कोल बिकते हैं ये नारियल तो फोके नारियल होते हैं, इन्हों के अंदर कुछ नहीं होता है। पैसे वध ले लेने उन्होंने, लेकिन उसके अंदर कुछ होता है। सच्चे दरबार की सौन वाले की कहीं तो लुके बैठ के पिछे चल नाले करी जावे नाले कथा सुनी जावे, क्योंकि कई तरह के भगत आते हैं। एक आंदे खलोता गलत वह बाहर ही खड़ जाने, वह बाहर ही खड़ जाएंगे, बारह रुपया भगा के मारनगे चाहे लाइट वाले की लाइट भरी जाए। और एक आएंगे स्रोता गंज, वो आके भजन बंदगी सुने प्यार नाल। एक आएंगे सोता गंज, वो आए टासना लगाया भैने जो प्रसाद आवे कूड़ी मार के ठाल। और एक होर भगत आएंगे नहा धो के कंघी शंघी करके 10 रुपए का मत्था टेकणगे, बाहर जाके देखणगे सब तो वधिया जुत्ती किहदी है, महंगी जुत्ती किहड़ी पई है। पाके साहब ऐसे जे भी भगत पे दुनिया च, और कई भगत असि ऐसे देखे रुपया चढ़ा के 100 नोट ले जाएंगे, तलाए 10-10 के कट्ठे करी तलाए है। चंगा भाई भाई कई प्रकार के इंसान होते हैं। सो ये नारियल की जो भेट है इस तरह चढ़ाई गई सी। अज साडे डिंपी जी ने देखो किन्नी मेहनत करी है, उन्होंने डैडी जी और होर भी साडे विक्की बादशाह होर भी उन्होंने साथी है, मैं जिन्होंने नाम नहीं जानता, चलो नाम महामाई जानती है क्योंकि गुप्त नाम वाले ज्यादा महामाई जानती है। तो बहुत सेवा इन्होंने देखो किन्ने दिनों तो लगातार ये मेरे कल के रात थानू भी नहीं सोए दिन च सोना कि, और इन्होंने मेहनत का फल मिलेगा जिन्हें जिन्होंने सेवा लगाई है। और माताओं भैनों बच्चों सब तो अगे हो गए, तुहाडा योगदान जरूरी है, तुसी हेल्प करा करो इन्हां दी रल के सारे। देखो पैसा जिहड़ी है आनी जानी माया है, इस माया के लिए तू करता है बेईमानी, इस पे ना रख भरोसा, माया है आनी जानी। आपां डॉक्टर कोल पैसा लगा दिंदे हैं और पुलिस थाणियां च कचहरियां च पैसा बर्बाद कर दिंदे हैं, लेकिन जिहड़ा हैगा ओ इस दिन लई 10-15-20 दिन लई खत्म कर दिया करो, रल मिल के एक दूजे नाल सारे साथ दिया करो। सो क्योंकि अच्छा लगता है जब देखो भजन कीर्तन जिहड़ा हुण तुहाडी गली महल्ले दे विच इत्थे होया है, जिहड़े दुख कलेश कईआं दे घर चों भज जाणगे रात अज खुशी खुशी नाल। और देख लो रिजल्ट देख लो शाम नूं, तुसीं खुशी रहोगे सारे, वैसे भी खुश रहोगे, अखा दे सुनते सुनते भी याद आएगी राजू बाबा जी, जय माता दी जय माता दी जय माता दी। सच्चे दरबार की। तो ये सी नारियल की कथा,
भी नारियल क्यों चढ़ाया जाता है। इस तो बाद महामई आशीर्वाद दे के हनुमान जी नु बाहर गेट ते खड़ा के आई सी। हनुमान जी नु लेके अपने पहाड़ा दे विच जा रही है वापस। जाते जाते रस्ते दे विच बाग आए। बागा दे विच मां ने आराम करिया। बागा दे विच आराम करते हुए हनुमान जी नु कहा के जाओ हनुमान जी इतने बागा दे विच पांडव बैठे होणगे, उन्हां नु जाके सुनेहा लगाओ कि मां आई आके दर्शन कर लो सच्चे दरबार की। हनुमान जी गए पांडवों के भगतो साक्षात मां आई है बागा दे विच विश्राम करे, तुसीं चल के दर्शन कर लो सच्चे दरबार की। हनुमान जी ने जो स्नेहा दिया जाके पांडवा नु, पांडवा ने जवाब दिया कि हनुमान जी तेरी मां पहाड़ा तो चल के नंद लाल दे घर तक जा सकती है, नंद लाल दे घर तक चल के बागा तक आ सकती है, साडे कोला तो पैर दी मेहंदी उतरदी सी। जो इतना बड़ा सवाल करे इतना बड़ा जवाब दिया, हनुमान जी नु क्रोध आया। वापिस मां नु दस्या जाके कि मां तेरे भक्त ने मैनू यह जवाब दिया। उसे टाइम मां अपने पहाड़ा च प्रवेश कर गई। समय बीतिया जो पांडव जुआ खेलन लगे, जो पांडव जुआ खेलन लगे जुए दे विच सारा राजपाठ हार गए, इतने तक अपनी धर्मपत्नी नूं जुए दे विच हार गए। वो सच्चे दरबार की कंगाल हो गए, बेहाल हो गए, जंगलों दे विच चले गए। जंगलों दे विच भटकते फिर रहे हैं। एक रात सुते पे मां दी आकाशवाणी हुई कि भगतो उठो, याद करो वो दिन जिस दिन मैं तुम्हें दर्शन देने लिए आई सी, तुसी मेरे दर्शन ठुकराता सी, आज तुसी ठोकरा खाते फिर रहे हो। बोल सच्चे दरबार की जय। सारे बोलो सच्चे दरबार की जय। थोड़ा जोर लगा के सच्चे दरबार जय। डरो ना, गुआंढी उठ के नहीं आन लगे क्योंकि तो तुहाडा प्रसाद घट गया। प्रसाद बहुत है, जिन्ने बैठे इन्ने होर आ जाने तब भी प्रसाद मिलेगा सारे। सच्चे दरबार की जय। पर लालच नहीं करना कितने चार चार टूने लगे कदने घट है, क्योंकि एक भगत ने लालच करया सीगा, उन्हें पांच सात टूने ले रखे सीगे, कहिंदा घट है होर ले लो। उन्हें की करया प्रसाद वाले कोल चलिया गया, उहदे पांच सात टूने सीगे उन्हें पिछे लको लिए, पीछे लको ले अगे तो प्रसाद मंगे, अगे तो प्रसाद खत्म हो गया, पीछे तो कुत्ता खा गया। लालच सच्चे दरबार की जय। दरबार की जय। सो जो भी शर्ता दे नाल प्रसाद मिलता है उसको कबूल करो। तो जिस तरह ही मां दी आकाशवाणी हुई कि भक्तो याद करो वो दिन जिस दिन मैं तुम्हें दर्शन देने लिए आई सी, मैं दर्शन तो कराते सी, उस टाइम उठ के बैठ के हाथ जोड़े माई अगे कि मां सानू माफ करते, साडे तो बड़ी भुल हो गई, बहुत भारी गलती हो गई, सानू एक बार माफ कर दे, जो तू कहेंगे सी करन नूं तैयार है। मां कहती मैं एक शब्द से तुहानू माफ कर सकती है, एक रात दे अंदर तारिआं दी छों दे अंदर मेरा मंदिर बना दे, एक रात दे अंदर तारिआं दी छों दे अंदर मेरा मंदिर बना दो, फिर मैं तुहानू माफ कर सकती है। बहुत सच्चे दरबार की मां नाल वादा करा के मां असीं तेरा मंदिर बनावांगे, मंदिर तो बाद हवन कीर्तन भजन भोजन भी करावांगे, वादा करे मां नाल। अगले दिन सारी समग्री तैयार कर ली, समग्री माए ने मंदिर बनाने का समान। मंत्र बनाने का समान तैयार कर लिया। रात्रि का पहला पहर शुरू होया। पहला पहर किसनू कहते हैं? शाम को जो दो वक्त मिलते हैं, दो वक्त केड़े होते हैं? दिन और रात। ये जो दो मिलते हैं तो शाम का पहला पहर शुरू हो जाता है। बोल सच्चे दरबार की जय। शाम का पहला पहर शुरू होया, भगत मंत्र बनाना शुरू कर दिया। मंत्र बनाते 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 अद्धी रात हो गई। अद्धी रात के समय उन्होंने कन्ने के घुंघरुआं की आवाज आई। उन्होंने सोचा लै भई ये तो अमृत वेला हो गया, बैलगाड़ियां चलन लग गया, घुंघरुआं की आवाजा आ रही, रेहड़ी चलन लग पी, कि तारे की छो ना चली जाए,
ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਦਿਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਉਸਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਕੰਧਾਂ ਬਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਤਿੰਨ ਦੀਵਾਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ। ਭੀਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਤਿੰਨੋ ਕੰਧਾਂ ਮਿਲਾਈਆਂ, ਉਹ ਟੇਢਾ ਮੰਦਿਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ, ਉਹ ਟੇਢਾ ਮੰਦਿਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਤਿਰਕੋਣਾ ਮੰਦਿਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਮੰਦਿਰ ਜਵਾਲਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ। ਕਦੇ ਜਾਓ, ਕਿਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਮੰਦਿਰ? ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਦੇਖਿਆ ਟੇਢਾ ਮੰਦਿਰ? ਜਵਾਲਾ ਜੀ ਜਾਓ, 7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉੱਪਰ ਹੈ ਟੇਢਾ ਮੰਦਿਰ ਜੋ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਬਹੁਤ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ। ਜਦੋਂ ਤਿੰਨੋ ਕੰਧਾਂ ਮਿਲਾਈਆਂ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਮਾਈ ਦੁੱਧ ਰਿੜਕ ਰਹੀ ਹੈ ਬੈਠੀ ਹੋਈ। ਸੋਨਾ ਨੀ ਜੇ ਨੀਂਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਥੋੜੇ ਪਾਣੀ ਮਾਰਿਆ, ਉਹ ਘੁੰਮਿਆ। ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸੀਟ ਤੇ ਸੋਣਾ ਸਖਤ ਮਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੈਂ ਸੋਚਣਾ ਮੇਰੀ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਮਿਚ ਰਹੀਆਂ। ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਾਜੂ ਬਦਾਮ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਸੋ ਰਹੇ। ਕਾਜੂ ਬਦਾਮ ਖੋਪਾ ਛੁਆਰੇ ਕਿਸਮਿਸ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਛ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਆਪਣੇ ਆਪਣੀ ਮੁੱਠੀਆਂ ਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਪ ਹੀ ਖਾਇਓ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮੁੱਠੀਆਂ ਨਾ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਜਾਓ, ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਬਦਾਮ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਡਿੱਪੀ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ? ਹੈਗਾ ਨੇੜੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਗਰਦਨ ਘੁਮਾਣੀ ਪਏਗੀ ਨਾ, ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ? ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਬਸ ਚੱਕ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਗਲੇ ਕੋਈ ਨਾ ਲਿਆ। ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ। ਜਦੋਂ ਮਾਈ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਕੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਮੇਂ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ, ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਘੜੀਆਂ ਟਾਈਮ ਪੀਸ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ? ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਮੁਰਗਾ ਗੋਲ ਪਾ, ਮੁਰਗਾ ਪਾਵੇ 12 ਵਜੇ ਬੋਲ ਜੇ, 4 ਵਜ ਗਏ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਕਤ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਮਾਈ ਵੀ ਇਸਤਰੀ ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਦੁੱਧ ਰਿੜਕਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ, ਬੱਚੋ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਦੁੱਧ ਰਿੜਕ ਲਵਾਂ। ਉਹ ਮਾਈ ਦੁੱਧ ਰਿੜਕਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਟਾਈਮ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਪਾਂਡਵਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਮਾਈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਰਿੜਕਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ, ਮਾਈ ਤੂੰ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ, ਤੂੰ ਗੈਰ ਟਾਈਮ ਉੱਠ ਕੇ ਦੁੱਧ ਰਿੜਕਣ ਲੱਗੀ। ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਧਾਣੀ ਤੇ ਘੁੰਗਰੂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪਈ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਬੈਲ ਗਾੜੀਆਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਬਹੁਤ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ, ਵੀ ਬੈਲ ਗਾੜੀਆਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ, ਜਾ ਮਾਈ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਇਹ ਦੁੱਧ ਰਿੜਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੁੱਧ ਦੇ ਉੱਤੇ 7 ਮਲਾਈਆਂ ਤਾਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੱਖਣ ਕੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ। ਦੁੱਧ ਕਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਸੀਗਾ? ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਹੋ ਊਠਣੀ, ਊਠਣੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਸੀਗਾ। ਬਹੁਤ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ, ਨਿਮੰਤਰਣ ਲਿਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ। ਨਿਮੰਤਰਣ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੇ ਫੋਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਹੜੇ ਮੋਬਾਈਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ? ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜੇ ਨੂੰਹ ਧੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ ਨਾ, ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਪੇਕਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਪੇਕਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਪੇਕਿਆਂ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਉਹ 20-20 25-25 ਦਿਨ ਪਹੁੰਚਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਇਹਨੇ ਨੂੰ ਸੁਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਚਿੱਠੀ ਉਹ ਪਹੁੰਚਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਇਹਨੇ ਨੂੰ ਸੁਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਡੈਡੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਗਾੜੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਚੱਲ ਚੱਲ ਬੈਠ, ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਸਕਿੰਟਾਂ 'ਚ ਸਾਰਾ। ਪਹਿਲਾ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ, ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਚਿੱਠੀ 20-25 ਦਿਨ ਪਹੁੰਚਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਸੁਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ ਸਾਰੀ। ਟਾਈਮ ਦੇਖੋ ਕੈਸਾ ਆ ਗਿਆ।
एक मिनट की एक सेकंड च गल चलती हो नाली गड्डी आ जाती नाली चल कहानी समय समय जो है वक्त के हिसाब नाल बहुत ज्यादा एडवांस हो गया। तो उन्होंने निमंत्रण लिखे चिट्ठिया लिखिया 33 करोड़ देवी देवता को चिट्ठिया निमंत्रण पहुंचाए बहुत सारी भजन मंडलियां बुलाया साधु संतां संत महात्मा बुलाया आखिर दे विच द्वापर ऋषि कोल गए कहते महारिषि जी असि यज्ञ रचा रहे साडे यज्ञ दे विच शामिल होना है। कहते दसो थोड़े यज्ञ दे विच कौन कौन आ रहा है। कहते साडे यज्ञ दे विच 33 करोड़ देवी देवते बहुत सारी भजन मंडलियां बहुत सारे संत महात्मा पधार रहे। कहता सारा ने जवाब दो मैं कल्ला ही आवांगा कल्ला ही थोड़ा यज्ञ संपूर्ण करावांगा। कहते महाराज असि इन्ने भगतां नूं इहदे संतां महात्मा नूं निमंत्रण दिया होया है एक कल्ले थोड़े पिछे असि किस तरह जवाब दे सकदे। कहिंदा फिर मैं नहीं आता। कहिंदा तुसीं आना आओ नहीं आना ना आओ असि जवाब नहीं दे सकदे निमंत्रण भी वापस ले गए और चिट्ठी भी वापस ले गए। द्वारशर्षि नूं क्रोध आया कि मेरी इन्नी वड्डी बेइज्जती कि मेरी जो चिट्ठी निमंत्रण है वो भी वापस ले गए मैं इस बेइज्जती का बदला लवांगा पांडवा को पांडवा का जो यज्ञ है वो मैं संपूर्ण नहीं होने दवांगा यज्ञ नूं भंग कर दवांगा। बोल सच्चे दरबार की यज्ञ नूं भंग करने वास्ते उसने की कराया एक सप का रूप बना लिया सप का रूप बना उस रस्ते जाके पै गया जिस रस्ते संता महात्मा ने लगना सीगा। बहुत सच्चे दरबार क्यों पै गया उत्थे जाके कि जेड़ा जेड़ा मेरे अड़के आएगा जेड़ा जेड़ा संत महात्मा मेरे नजदीक आएगा उसनों मैं डस दवांगा उसनों मैं मार दवांगा पांडवा का जो यज्ञ है वो पक् हो जाएगा। बहुत सच्चे दरबार की ताड़ी भी ज्यादा पांडवा का जो यज्ञ है भंग हो जाएगा। वैसे गुड्डी काजू बदाम खत्म हो जाएंगे। सच्चे दरबार की समय बीतते गया समय बीतते गया उस रस्ते दी विचों ऐसी कृपा हुई महामाई दी कोई भी नहीं लग गया। द्वारशर्षि देख रहा कि टाइम बहुत हो गया कितने पांडवों का यज्ञ तो नहीं संपूर्ण हो गया चल के देखी तो सही कोई आया ही नहीं इधर को सच्चे दरबार की जिस तरह ही द्वारशर्षि ने उस सप का रूप छड्या एक पंछी का रूप बना लिया पंछी का रूप बना के उस सप के पिंजर नूं अपने पंजे दे विच लैके उस यज्ञ दे आले दुआले चक्कर कट्टन लग गया जिथे प्रसाद बन रहा सी जिथे प्रसाद बना सी उथे चक्कर कट रहा है सोच रहा है कि जो भगत तृप्तर हो गए इस सप का पिंजर मैं प्रसाद के विच गेर दवांगा प्रसाद जहरीला हो जाएगा जो जो खाएगा वह मर जाएगा पांडवों का यज्ञ पक् हो जाएगा। बहुत सच्चे दरबार जिस तरह ही वह भगत इधर उधर होए उसने सप का पिंजर एक खीर के कड़ाहे च गेर दिया। बहुत सच्चे दरबार की जो खीर के कड़ाहे सप का पिंजर गेरिया उसनों कौन देख रहा है जी छिपकली देख रही थी छिपकली कौन सी रुकमण की भैन ना तारा की भैन रुकमणी छिपकली क्यों बनी सी इकाशी का वर्त इकाशी का वर्त रखा सी दोनों भैन ने उसने वर्त भंग कर दिया फिर तारा ने श्राप दिता सी उसनूं कि जा भैन तू अच्छा नहीं करिया वर्त तोड़ के मैं तेनूं श्राप दे रही है तू अज नवाद कोड़ के लिए छिपकली दी जू नीची जाएगी। जो श्राप दिया सी उस टाइम फिर रुकमण ने पूछा सीगा
कि भैन तू मैनू एडा बड़ा श्राप देता, तू मेरी सगी भैन हो गए। हुण इह भी दस दे इस श्राप से मुक्ति कित्थे होएगी। कहिंदी भैन समय आएगा पांडव यज्ञ रचाणगे, उस यज्ञ दे विच तैनू अपनी जान दी बलि देनी पएगी, फिर जाके स्त्री जुनी तैनू प्राप्त होएगी। कोटकली छिपकली छत से लगी हुई देख रही है कि ना तो मेरे जुबान है कि मैं भक्तों को आवाजा मार मार कहना कि भक्तो प्रसाद ना खायो, ना मेरे डेडे हाथ है कि मैं कड़ाहा पलटा दूं। उसनों ही याद आया कि मेरी भैन ने मैंने श्राप दिता सीगा और कहा सीगा कि पांडव यज्ञ रचाण के उस यज्ञ के विच तैनू अपनी जान की बलि देनी पेगी। उस सच्चे दरबार की थोड़ी बर्फ और मार लिया सी, पाउडर जहा जो इन्होंने अड़ाया ना, ये भी गल नू पैंदा है। सारे करते होना है ना, चलो सवेरे मेकअप करने की लोड़ नहीं पैनी। सच्चे दरबार की सुते पे उठो मेकअप होया वही मिलू सारा दा। सच्चे दरबार की सच्चे दरबार की प्रसाद तैयार है, कड़ा चोले तैयार है, वो भी दस दिए तैयार नहीं, तैयार है, तैयार है, सच्ची हाँ सुन गया, कड़ा छोले भी तैयार है क्योंकि जरूरी है सुनाना है गल, ता ही बैठे रहेंगे नहीं तो आए लेट हो गए, रोटी बनानी है जाके। सच्चे दरबार की दरबार की उसनों ही याद आया कि मेरी भैन ने शराब देते हुए मैंने पूछा सीगा कि यज्ञ दे विच तैनू अपनी बलि देनी पेगी। उस तरह ही होया जिस तरह हो कड़ाहा चक्कर नहीं आए भगत, उस एक टाइम छिपकली ने छलांग लगाती, जिहड़े ऋषि मुनि संत महात्मा उत्थे खड़े सीगे उन्होंने देखा छिपकली गिर गई, उन्होंने श्राप दिया कि जा नीचे तू नीच हो जा, तेरा नीचे दे करवास हो जा। एक श्राप तो मुक्ति मिली, दूजे श्राप च फस गए। कहते भी ऐसा करो ये प्रसाद जहरीला हो गया, ए प्रसाद जहरीला हो गया, एक टोया भरो खड्डा फटो, इस प्रसाद को उसके विच दबा दो ताकि कोई जानवर ना खा जाए, जहरीला प्रसाद है। जिस तरह ही उन्होंने टोया पट्टिया खड्डा पट्टिया कड़ाहे पलटान लगे, जो तो कड़ाहा पलटान लगे ओ देखा रिज रिज के सप्प का पिंजर फुलिया होया। बोल सच्चे दरबार की जय। रिज रिज का सप्प का पिंजर जरा फुलिया होया, देख के हैरान हो गए, कह लगे तां कोई माई दी संतरी भक्तनी सीगी जिसने अपनी जान दी बलि दे के सारे भक्तां दी जान बचाई है, असली जहरीला प्रसाद इस सप दे कारण पहले ही होया हुआ सीगा। अगर ये छिपकली साडी अखां दे सामने ना गिरती ना अपनी बलि दिंदी सानू पता नहीं लगना सीगा कि प्रसाद पहले जहरीला होया। बोल सच्चे दरबार की ताड़ी बजा दे करो। कोई भक्त नहीं सी जिसने सारे भक्त की जान बचा, आपा इन एडा बड़ा श्राप दे बैठे, कहते श्राप तो वापस नहीं होता, लेकिन आपा इसने कोई ऐसा वरदान दे देने हैं, ऐसा फल दे देने हैं जिस दे नाल इहदा जीवन सुधार हो जाएगा। उसनों की वरदान दिया कि जा जो तेरा जन्म है वो एक राजे के घर होएगा, जो तेरा जन्म है एक राजे के घर होएगा, लेकिन जो तेरा पालन पोषण है वो पीलां दी झुग्गियां दे विच होएगा। बहुत सच्चे दरबार की श्राप दे दिया वरदान भी दे दिया। उधर पांडवों का यज्ञ संपूर्ण हो गया, तीन लोगों में डंका बाजा होगी जय जयकार, पांडवों का यज्ञ संपूर्ण हो गया, होगी जय जयकार, होगी जय जयकार, ताड़ी बजा दो। ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਜੈ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤਾੜੀ ਵਜਾਉਂਦੇ ਨਾ ਨਾਲ ਗਵਾਂਢੀ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਚ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ,
ਵੀ ਕਿਤੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਗਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਜੈ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਵਰਦਾਨ ਦਿਆ, ਸ਼ਰਾਪ ਦਿਆ, ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੇ ਯੱਗ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਬੀਤਿਆ। ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਦੀ ਨਗਰੀ, ਰਾਜੇ ਦੇ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ, ਜਦੋਂ ਲੜਕੀ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਰਾਜੇ ਨੇ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਸਜਾਇਆ, ਵਿਦਵਾਨ ਬੁਲਾਏ, ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਬੁਲਾਏ ਕਿ ਵਿਦਵਾਨੋ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਲੜਕੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਭਾਗ ਦੱਸੋ ਕੈਸੇ, ਇਸਦਾ ਮਸਤਕ ਦੱਸੋ ਕੈਸਾ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਕਰਮ ਦੱਸੋ ਕੈਸੇ। ਵਿਦਵਾਨ ਬੋਲੇ ਕਿ ਰਾਜਾ, ਇਹ ਜੋ ਕੰਨਿਆ ਹੈ ਬੜੀ ਭਾਗਿਆਸ਼ਾਲੀ ਕੰਨਿਆ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਕਰਮ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਤੇਰੇ ਰਾਜ ਪਾਠ ਨੂੰ ਚੰਦ ਸਿਤਾਰੇ ਲਗਾਏਗੀ, ਰਾਜਾ ਇਹ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰ ਦੇਗੀ ਤੇਰੇ ਰਾਜ ਪਾਠ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਚੰਦ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਸ ਲੜਕੀ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਰਾ। ਸਮੇਂ ਬੀਤਿਆ, ਸਾਲ ਬੀਤਿਆ, ਉਸੀ ਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੜਕੀ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਸਾਂਵਲੇ ਰੰਗ। ਜਦੋਂ ਸਾਂਵਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਰਾਜਾ ਕਲਪ ਉੱਠਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਸਾਂਵਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਇਸ ਲੜਕੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਨਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਆ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਫਿਰ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਸਜਾਇਆ, ਵਿਦਵਾਨ ਬੁਲਾਏ ਕਿ ਵਿਦਵਾਨੋ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਸਾਂਵਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਇਹ ਲੜਕੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦੱਸੋ, ਇਸਦੀ ਜਨਮ ਕੁੰਡਲੀ ਦੱਸੋ, ਇਸਦੇ ਭਾਗ ਦੱਸੋ। ਵਿਦਵਾਨ ਬੋਲੇ ਕਿ ਰਾਜਾ, ਇਹ ਜੋ ਕੰਨਿਆ ਹੈ ਬੜੀ ਬੇਭਾਗੀ ਕੰਨਿਆ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਭਾਗ ਅੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਭਾਗ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਹੈ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਰਾਜ ਪਾਠ ਨੂੰ ਤਹਿਸ ਮਹਿਸ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਰਾਜੇ ਨੇ ਸੁਣੀ, ਰਾਜੇ ਨੇ ਨੰਗੀ ਕਿਰਪਾਨ ਕੱਢੀ, ਲੱਗਿਆ ਕੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ। ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਰਾਜਾ, ਐਸਾ ਘੋਰ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰ, ਪਾਪਾ ਦਾ ਭਾਗੀ ਨਾ ਬਣ, ਅਗਰ ਤੂੰ ਇਸ ਕੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਗਾ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਾਪਾ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ। ਬੋਲ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ। ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਵਿਦਵਾਨੋ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਦੱਸੋ, ਇਸ ਕੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਸਮੇਂ ਉਹੀ ਹੈ, ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਔਰ ਬੇਟੀ ਪੜਾਓ, ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਔਰ ਬੇਟੀ ਪੜਾਓ, ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਲੜਕੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਲਬ ਮਹਾਰ ਮੱਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਝਾ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਹਾਏ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕੁੜੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਰੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਕਈ। ਪਰ ਇਹ ਨੀ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਲਕਸ਼ਮੀ ਆਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਦੀ ਦੀਵਾਰਾਂ ਹੈ ਉਹ ਰੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਰੋਂਦੀ ਆ ਉਹ, ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਤੋੜਨ ਫੋੜਨ ਵਾਲਾ, ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਬਟਵਾਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੜਕੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਿਉਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ, ਕਿ ਕੋਈ ਆਈ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਦਾ ਦੀਪਾ ਪੋਚੀ ਕਰੇਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖੇਗੀ, ਕੰਧਾਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਸੋਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ। ਲੜਕੀਆਂ ਕੋਈ ਲੜਕਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਿੱਡੀ ਕਿੱਡੀ ਅਫਸਰ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੜਕੀ। ਤਾੜੀ ਵਜਾ ਦਿਓ ਉੱਥੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ। ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਤਵਾਂ ਜਗਰਾਤਾ ਸੋਹਣੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਡੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਰੋਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਇੰਨੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਸਨੂੰ ਵਿਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਲੜਕੀ ਰੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਕਹਿਣ, ਭਾਈ ਰੋ, ਕੁੜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਰੋ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਰੋਵਾਂ, ਸਹੇਲੀਆਂ ਪੁੱਛਣ ਗਈਆਂ, ਕਹਿੰਦੀ ਭੈਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਰੋਲੇ, ਸ਼ਗਨ ਹੀ ਕਰ ਲੈ, ਨਹੀਂ ਹੰਝੂ ਆਉਂਦੇ ਪਾਣੀ ਲਾ ਲੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਰੋਵਾਂ, ਕਹਿੰਦੀ ਭੈਣ ਤੂੰ ਰੋਂਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੀ ਰੋਣਗੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਰੋਣਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪੇ ਰੋਣਗੇ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣ ਦੇ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ।
सो लड़कियां नूं पढ़ाओ लिखाओ भी, लेकिन घर दे संस्कार जरूर सिखाने चाहिए। अजकल हाय जिदा दर्द हुंदा होवे, हाय दादा जी हाय, पहला रुकी कहते दादा जी राम राम, बुआ जी राम राम, मासी राम राम, अजकल तो हाय हाय हेलो हाय छोड़िए, जय माता दी बोलिए, हेलो हाय छोड़िए, राम राम बोलिए। क्योंकि देखो जो आप संस्कार करना ही है, जी कह के बुलाना ही है, तो फिर राम राम जी क्यों नहीं कहते, जय माता दी कह दो, जय साईयां जी कह दो, जो भी दिल भावे लेकिन नाम प्रभु का ही रखो, जय गुरु जी कह दो। ये हाय हुए जी छड़ दो अंग्रेजा वाली भाषा, क्योंकि वो तो अपन डुबो के छड़, पहला भी डुबो रहे थे, हूं भी डुबो ही रहे हो। चाइना डोर आ गई, चाइना डोर ने लोगों के गल बढ़ते, क्योंकि संस्कार जो है ना अपने इधर ते ही होने चाहिए। ठीक है पढ़ाई लिखाई कोई माड़ी नहीं आती, असि कहते हैं कि अच्छी गल है, जे किसी ने इंग्लिश ना आती कहते लगता है फिर कोई पढ़ाई है थी। हुण जिन जिन्हां नूं हिंदी पंजाबी नहीं आती साडे वास्ते, उन्हां वास्ते वो कुछ नहीं पढ़े, अपनी जिहड़ी मातृ भाषा पंजाबी हिंदी ये उत्तम भाषा है। जिहड़े इंसान नूं हिंदी और पंजाबी नहीं आती उहदी कदी पढ़ाई है, आपां कड़ा अंग्रेजां च रहना जिहड़ा हावी वाई 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 आओ भी करना है, पता सीधी बोली बोलनी है, तो इस करके हिंदी पंजाबी नूं मुक्त रखो। इंग्लिश स्कूलों च बच्चे पा रखे, उन्होंने पूछ लो हिंदी च कुछ पता ही नहीं, बच्चों के अजकल खेड खिडौने वह भी खत्म करते, पहला मां गडीर ना दे दिंदी सी, अगला रुड़िया फिर जो छत्ती बार तक गिरता था, गिर गिर के सट्टा खा खा के जवान हो जाता सी, अजकल वो भी खोलिया जे बच्चा रोन लग जाए अब ते आदे 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 गेम आदे, अगले बच्चे मोबाइल च लगे रहता सारा, उन्हें यही नहीं पता मेरी मम्मी कि मेरा पापा के मोबाइल मोबाइल के नाल ही बच्चे नु पहला चुंगड़ी फड़ा दिंदे ते निपल पा के चुप 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 करी जांदा था, अजकल उहदी भी लोड़ खत्म, कोई भुख नहीं लगती बच्चे नु मोबाइल दे दो बस छुट्टी। डैडी एडा क मोबाइल नहीं फिरता हुंदा, बच्चे एडे एडे मोबाइल नहीं फिर रहे, सच्चे दरबार की। सो थोड़ा जा विचार करो, क्योंकि देखो जगराता पार्टियां बहुत देखते हो तुसी, उस कुछ समझा के नहीं जानगे, वो तो दम दौड़ा दम दौड़ा दम सारी रात लगे रहेंगे, नोट कट्ठे करे, चलो जी तारा रानी की कथा दी बारी है जी, फट जी तारा रानी जल्दी कर दो खत्म कर दो बस फटाफट, कट दो वट दो तारा रानी, ऐसा दी पार्टियां पईयां विधि विधान पार्टियां दे विच बहुत घट रह गया, पुराने बंदे जिहड़े हैगे आ हमेशा, मैं नहीं कहता साढ़े तो कराओ जगराता, जगराता कदे भी किसी ने कराना हो पार्टी की परख करो कि वो अपना जगराता जरा देखो इन्ने पैसा लगाएंगे पैसा व्यर्थ जाएगा अगर विधि नाल नहीं काम होएगा। सच्चे दरबार की कथा कितनी छड़ी सी ये भी दस दूं, भूल गए लड़की नु मारन लग्या सीगा राजा कि राजा ऐसा घोर पाप ना कर, पापा दा भागी ने बणा कर इस लड़की नु मार देगा तो सारी जिंदगी पाप दा छुटकारा नहीं पाएगा। कहते राजा कहन लग्या कि विद्वानों कोई उपाय दसो, कहते राजा उपाय एक हैगा, एक लकड़ का संदूक बनवा, संदूक ते जो भी हीरे ज्वार जो भी इसकी दान दक्षिणा शादी
व्यापक का जो भी खर्चा है बचपन तो लेके जन्म तो लेके वो इसके विच बेटी दे विच पादे नु जल प्रवाह करदे। राजे ने उसका एक संदूक बनवाया लक्कड़ दा, उदे उते हीरे ज्वारा जड़ा के जो भी दान दक्षिणा उदी बनदी सी दाज दहेज वो लक्कड़ दे संदूक दे विच पाके जल प्रवाह करदे। बोल सच्चे दरबार की जल प्रवाह करया। हुण कन्या की कहंदी जा रही है सच्चे पैर दा गूठा उम्मा दे विच पाया, हसदी होई जा रही है और मां नूं फरियाद करदी जा रही है की ताड़ी बजा के मेरे नाल कीर्तन करो थोड़ा जिहा। सारे बोले अच्छा मेरे नाल पार्टी वाला कोई नहीं हैगा, कल्ले ही रह गए मैं और सब चले गए। देखो पहला समय भी जागरण होंदे सीगे, असी पता नहीं किन्ने किलोमीटर सैकलां ते जांदे सीगे जगराता करन, और किन्ने पैसे होंदे सीगे जगराते दे 1100 11 रुपए 1.25 रुपया ऐदा दी होंदी सी दक्षिणा उत्तर। अजकल 21,000 15,000 50,000 लख 1.5 लख 10-10 लख आए राम इन्ने पैसे हो गए। उस समय सीगा जागरण करता सीगा, सैकलां ते इन्ने इन्ने किलोमीटर चले जाना सी, और जदों तक आरती नहीं होनी सारी मंडली उत्थे होंदी सी। आरती करान तो बाद भोग प्रसाद वर्णन तो बाद प्रसाद लेके फिर मंडली जाया करती सी। आ देख लो हुण मंडली बैठी कल्ला ही रह गया मैं। समय ही ऐसा आ गया सब पैसे का खेल। अगला कहता 3 बजे तक, जे असी कहते ना भी यार 4 बजे तक बजा लो, ना जी ना असी नहीं आते। भक्ति भावना नहीं रही हैगी हुण लोकां च भी, साडे कलाकारां च भी यही कम हो गया। वह भी कहते थक बस रुपये रखो जी बस गल खत्म है, कुछ नहीं उन्होंने पता है। सच्चे दरबार की ताड़ी बजा दो जोरदार। लड़की जा रही है जल प्रवाह हुई और की कह रही है, पार करो मेरा बेड़ा भवानी, पार करो मेरा बेड़ा, पार करो मेरा बेड़ा भवानी, पार करो मेरा बेड़ा। गहरी नदिया नाव पुरानी, सारे बोलो गहरी, सारे बोलो कलाकार बन जाओगे तुसी भी। गहरी नदिया नाव पुरानी, दया करो माँ आद भवानी, दया करो माँ आद भवानी, सबको आसरा तेरा भवानी, सबको आसरा तेरा, मैं निर्गुणिया गुण नहीं कोई, मैं निर्गुणिया गुण नहीं कोई, मैं निर्गुणिया गुण नहीं कोई, मैया जगा दो किस्मत सोई, ओ मैया जगा दो किस्मत सोई, जागे भाग ये मेरा पार करो मेरा बेड़ा, जरा प्रेम से बोलो पिछले बोलो अगले बोलो, ताली बजा के ताली बजा के, पैसे नहीं लगते तालियां ते कोई टैक्स नहीं है, मोदी ने फ्री करी हुई है। प्रेम से बोलो सारे बोलो जोर दी बोलो, पैसे नहीं लगते जीवा नहीं कसदी मुल नहीं लगता, हौली बोलो प्रेम से बोलो।
मैं इतना कह रहा प्रेम से बोलो, एक भैन कहती मैं नहीं बोलती प्रेम नाल, क्यों कहती सवेरे तक लड़ाई हुई है प्रेम नाल मेरी। मैं प्रेम की गल नहीं कर रहा, मैं बाद प्रेम की गल कर रहा भी ये किसी की कोई लड़ाई नहीं हैगी। और इस टाइम आप सारे भैन भरा सारे परिवार तौर पर बैठे है मां की चौकी भर रहे बोल सच्चे दरबार की। सो जिस तरह ही नदी की जरूरी जारी करने आ, एक ब्राह्मण स्नान कर रहा सवेरे सवेरे निगाह पे भी संदूक जा रहा, इस संदूक के अंदर बहुत सारा माल है, इसन कढ़िया जाए तो आप मालो माल हो जाएंगे। पंडित जी ने जो नदी के पैर रखे ठंडा पानी, पंडित जी कहते तो बहुत ठंडा पानी भाई, चलो कोई गल नहीं थोड़ा थोड़ा अगे जाता रहा जाता रहा, जो तक छाती तक आया पानी, मुंह तक आ गया पानी, अखा तक पानी आ लगे, पंडित जी खुशी मार के बाहर आ गए कहते भी अगे डुबो हैगा बहुत ज्यादा। जिदा संदूक के नजदीक जा रहे थे संदूक उन्होंने तो दूर जा रहा था, उसने की देखे संदूक कटने वास्ते एक कालू पील खला की सफाई कर रहा था, उसने बुलाया कि पीला गल सुन जो तो संदूक कढ लिया मैं जेड़ा उसका माल पत्ता पा दोनों अद्ध अद्ध बटोर लागे बोल सच्चे दरबार की। कालू पीले जिस तरह ही छलांग लगाई जिदा जिदा वह संदूक को गया, संदूक उसके नजदीक आ गया, संदूक बाहर आ गया, जो तो खोलन की बारी आई झगड़ा पै गया दोनों। कालू पीर कहता अंतला माल मैं लूंगा, पंडित जी कहते अंतला माल मैं लूंगा, लालच। एक मुसाफिर जल से मुसाफिर को पूछेगा मुसाफरा साडा फैसला करा दे, कहता मैं दो मिनट फैसला करा दू, दसो संदूक नदी से किन्ने कटिया। पंडित जी सच बोल के कहते भी संदूक तो इन्हें कालू पीर ने कटिया। कहते पंडित जी तुसी विद्वान हो पढ़े लिखे इंसान हो, तुसी विद्वान हो पढ़े लिखे इंसान हो, जिसने अपनी जान की बाजी लगा के नदी के बीचों इस संदूक कढ़िया असली हकदार एक कालू पीर है। पंडित जी कहते ठीक है महाराज। जब संदूक खोलिया संदूक के बीच की देखा सांवले रंग की कन्या, कालू पील हाथ जोड़ के कर गया पंडित जी ये जिन्ना भी सोना चांदी धन दौलत है सब तुसी ले जो, ये जो कन्या है मेरी झोली दे विच पाओ क्योंकि उसके घर औलाद नहीं सी। बोल सच्चे दरबार की। उसके घर औलाद नहीं सी, वह कन्या उसकी झोली दे विच पा दी पंडित जी ने, और जो सोना चांदी माल पत्ता सी सारा लेके पंडित जी अपने घर वो अपने घर। जो कालू पीर अपने घर पहुंचा अपनी पत्नी नू आवाज लगाई कि भगवान बाहर आ, जो पत्नी बाहर आई बाहर आके देखा गोद दे विच बच्चा, कहते भगवान एक आवाज होर लगाई बाहर आई उसने गोद विच बच्चा देखा, कहती महाराज क्यों तुसी मेरे दिल नू तसली दे रहे हो, रोज किसी ना किसी का तुसी बच्चा उठा के लेके आ जाने मेरे दिल नू तसली देने वास्ते, क्यों ऐसा कर रहे हो, जबकि थोनू पता मेरे मुकद्दरा दे विच औलाद नहीं, मैं अपने कुख तो औलाद पैदा नहीं कर सकती, क्यों मेनू तलासा दे रहे हो। कहता नहीं भगवान ये कन्या अज मैं किसी की चोरी करके नहीं लेके आया, ये कन्या साक्षात आदि शक्ति जगदम्बा गंगा मैया और ख्वाजा पीर बादशाह की हाजिर जो लेके आई, जय करा ख्वाजा पीर महाराज जी का, उसकी पत्नी ने विश्वास करे उस कन्या ने अपनी गोद दे विच लिया, जो तो छाती दे नाल लगाया अन्नपूर्णा माई दी ऐसी कृपा हुई कि उसकी छाती दे दूध दी तारा गिरन लगी, कन्या गड़ गड़ करके पीन लगी बोल सच्चे दरबार उसका पालन पोषण भी झुग्गियां दे विच शुरू हो गया। लड़कियां दोनों ही राजे दी है तारा रुकमन लेकिन किस्मत जुदा जुदा, एक महिला दे विच पल रही है दूसरी झुग्गियां दे विच पल रही है, साल दो साल दस साल पंद्रह साल भी बीस साल दी हो गई शादी ब्याह दे समय दी हो गई, फिर किस्मत ने ऐसा मोड़ लिया आया इको शहर के अंदर दोनों भैनों का ब्याह होया, तारा का ब्याह होया राजे दे नाल, ओ महिला दी तारा राणी बन गई और रुपो का ब्याह होया कालू पीर दे नाल रुकमण दासी बन गई, एक राणी बन गई एक दासी बन गई, लड़कियां दोनों ही राजे दी किस्मत जुदा जुदा।
लड़कियां दोनों ही राजी थी। कहते एक डाल के फिर दो फूल, एक की तो बनती है माला और एक कब्र ते चढ़ाया जाता है। एक कलश कड़ा पिया देखो जेड़ा मिट्टी दे बर्तन बनाता है वो किन्ने घड़े बनाता है, हद तो ज्यादा घड़े बनाता है, लेकिन उन्हें किस्मत घड़िया की अलग अलग होती है। कोई मंदिर च चला जाता है, कोई गुरुद्वारे चला जाता है, कोई मस्जिद चला जाता है, कोई घड़ा ऐसा होता है जिसकी किस्मत अंत समय इंसान के नाल नाल जाती है, वह भी नहीं रखते, वह भी कहते ठा उत्थे पल देते, ताड़ी बजा दे बुजुर्गों। इस तरह ही ना लड़कियां दी रुक्मण और तारा दी किस्मत अलग अलग, राजे दी लड़की लेकिन एक महल दे विच एक झुग्गी दे विच। जिथे रुक्मण दा ब्याह होया सीगा उहदे जिहड़े सस सहुरे सीगे ओह महल दे विच मंदिर दी सेवा करदे सीगे, बहुत सच्चे दरबार की जिथे तारा दा ब्याह होया। कई साल बीत गए ओदे सस सहुरे बीमार रहन लग गए, कहिंदे मात पिता जी अज तो बाद तुसी नहीं मंदिर की सेवा करन जाओगे, अज तो बाद मंदिर की सेवा मैं करन जावांगी क्योंकि तुसी बीमार रहन लग गए। सवेरे उठी स्नान पानी करिया और महल दे विच पहुंच गई, महल दे विच जाके सेवा करन लग गई, जो भी दिल फूल जो भी उसको सेवा मिलती सीगी झाड़ू पोछा जो जो दिल चाया वो सेवा कर, क्योंकि सेवा कोई जरूरी नहीं हैगा कि अपन उठे कुर्सी ते बैठने दी मिले, सेवा जड़ी होती है ना सेवा तो उसमें ही सेवा करनी है, चाहे जूते साफ करने दी मिल जाए, बर्तन मांजन दी मिल जाए, झाड़ू पोछे दी मिल जाए, सेवा तो सेवा ही है। अजकल दी सेवा की जे कोई इंसान कुछ सेवा करन लग जाए ना उन्होंने कहते लोग कहते ने उन्हें तो पागल हो गया, सारा दिन धोई जाता, सारा दिन झाड़ू पोछे करी जाता, सारा दिन धुप्पा जगाई जाता है, ये पागल हो गया। और कई तो नशे वाले उन्होंने कह गए वो आ जाए यार छठ पर सिगरेट बार भरी पी आके पी लै भगती छड़ानगे उसकी, पर कई भगत ऐसे है जेडे पागल है। पागल कौन कौन है तुहाडे च, कोई पागल हैगा? मैं तो पागल ही, सारे पागल है मैया दे नाम ते माता रानी दे नाम ते कौन कौन पागल है हाथ खड़ा करके दिखाओ, अद्धे पागल है अद्धे हो जाएंगे माता रानी के नाम पे, क्योंकि मैं भी पागल है, मैंने तो लोग गाला करते फिर अज बाबा ना आप सुंदर ना सन सुन देता है, सारी रात भेटा गाई चलता है, ना आप सुनता है ना सन सुन देता है, कहीं तो मैं गड़िया च लंघता पत्थर भी मार देते मैं पागल जा रहा, पर मैं क्या करा, मैं कहता मां ऐ मां तेरी भक्ति में ये लच्छे है, ऐ मां तेरी भक्ति में ये लच्छे है, हमें पागल रहने दो, हम पागल ही अच्छे है। घट तो घट लोग ईटा मार के यादा करते सच्चे दरबार की दरबार की दरबार की दरबार की दरबार की प्रसाद महाराज की प्रसाद तैयार है आने वाला ही अवसर लग चढ़ के पाछे कहते ना ना जायो ना थोड़ी देर ही है और कितने प्रसाद, पर ये भी ठीक है प्रसाद ले बगैर कितने जान के सच्चे दरबार की दरबार की। देखो हंसना हसाना जिंदगी दे विच बहुत होता है, जे मैं सुस्ती दे नाल कथा सुनाई जावांगा तां तुसी सो जाओगे सारे, ऐसा मेरे नाल हो चुका है सीधा। मैं एक जगह बहुत बड़ा पंडाल सी इस तो भी बड़ा उत्थे इन्नी जनता इन्नी जनता के मेरे तो देखिया भी नहीं जा रहा सीगा, मैं सोचे ले भी कथा सुनेंगे बहुत ऐ बच्चे चुप कर जाओ किथे चक के लेके जा रहे हैं नू एक लूना प्रसाद घटा रही है सोन दे बेटा सोन दे नू सोन दे बच्चे सोन दे
ਸੋਲ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸੋ ਜਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪੂਰਾ ਪੰਡਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੀਏ ਕਥਾ ਬੋਲਣ ਲੱਗ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਡੇਢ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ, ਦੇਖਿਆ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਵੀ ਸਾਰੇ? ਅੱਗੇ ਐਡਾ ਪੰਡਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਭਗਤ ਰਹਿ ਗਏ, ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਈ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਲੱਗੀ ਹੋਈ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਸਲਾਈਆਂ ਦੇ ਰੱਖੀ, ਕੋਟੀ ਬੁਣ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਭੁਰੇ ਤੇ ਭੁਰਾ ਲੱਗੀ ਪਈ ਹੈ। ਦੋ ਭਗਤ ਹੋਰ ਬੈਠੇ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਭਗਤ ਜੀ ਕਥਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਆਨੰਦ ਆ ਗਿਆ ਕਥਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਨੰਦ ਆ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੋ ਘੰਟੇ ਦੀ ਵਧਾ ਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਵਧਾਣੀ ਨੀ, ਮੰਗ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੈਟ ਆਣਾ, ਲੈਟ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾਓ। ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਡੀਜੇ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਡੀਜੇ ਲੈਣਾ ਜਾ ਕੇ, ਜਲਦੀ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਕੱਲੀ ਮਾਈ ਰਹਿ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਲੱਗੀ ਪਈ ਹੈ ਕੋਟੀ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਘੋੜਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਤਾ ਜੀ। ਨਾ ਜੀ ਸੁਣੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਵਾਜ਼ ਕਾ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਫੇਰ ਨੀ ਸੁਣਿਆ, ਫੇਰ ਆਵਾਜ਼ ਕਾ ਫੇਰ ਨੀ ਸੁਣਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ 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 ਜਿਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਉਂਦੇ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਥਾ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ, ਵੇ ਪੁੱਤ ਤੇਰੀ ਕਥਾ, ਤੇਰੀ ਕਥਾ ਇੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਸੁਣੀ ਮੈਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੱਪੂ ਦੇ ਪਾਪੇ ਦਾ ਗਲ ਲਾ ਦਿਆ। ਕਿਹੜੀ ਕਥਾ ਸੁਣ ਲਈ ਮਾਈ ਜੀ? ਬਸ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਕਥਾ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਵੀ ਲਾ ਦੇਣੀਆਂ ਸੀ। ਕੋਟੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਗਲਾ ਲਾ ਦੇ, ਮੈਂ ਬਾਹਾਂ ਵੀ ਲਾ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਈ ਕਥਾ ਵਧਾਵਾਂ ਤੂੰ? ਜਿਵੇਂ ਪੁੱਤ ਕਹਿੰਦੀ ਕਥਾ ਰਹਿੰਦੇ ਵਧਾ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਦਰੀ ਤੇ ਤੂੰ ਬੈਠਾ ਦਰੀ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਜਲਦੀ ਵਿਹਲੀ ਕਰ, ਮੈਂ ਘਰ ਜਾਵਾਂ। ਹੁਣ ਟੈਂਟ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਦੇ ਵਿਹਲੇ ਕਰਾਂ? ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ, ਦਰਬਾਰ ਕੀ, ਦਰਬਾਰ ਕੀ, ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਕੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤਿਆਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ। ਟੈਂਸ਼ਨ 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 ਬੋਲੋ, ਟੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਟੈਂਸ਼ਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਟੈਂਸ਼ਨ ਲੈਣੀ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਕਥਾ ਕਿੱਥੇ ਛੱਡੀ ਹੈ? ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਗਈ, ਸੇਵਾ ਜੋ ਮਿਲੀ ਉਸਨੇ ਕਰੀ ਹੈ। ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਹਲੀਆਂ ਤੇ ਪੋਚਾ ਲਗਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਪੋਚਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਲਗਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹ? ਹੈਂਜੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਜੀ, ਨਾ ਬਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੇਸਰਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਬਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੋਚਾ ਲਗਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਕੱਟ ਕੱਟ ਕੇ ਚੁੰਨੀਆਂ ਰਖਾ ਦੀਆਂ। ਬੋਲ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕੇ ਐਸਾ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੁਛ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵਾਲ ਉੱਡ ਜਾਣਗੇ, ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਟ ਦੇਣੇ, ਟੋਪੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਬੋਲ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ। ਉਹ ਸਮੇਂ ਸੀਗਾ ਵਾਲ ਇੰਨੇ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੋਚਾ ਲਗਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਉਹ, ਔਰ ਪੋਚਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਉੱਥੇ ਸੌ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਸੌ ਗਈ, ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ। ਤਾਰਾ ਰਾਣੀ ਨੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਰਤੀ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਈ, ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ, ਉਸਨੂੰ ਉਠਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖਿਆ ਰੁਕਮਣ ਦਾ, ਉੱਠ ਕੇ ਜੱਫੀ ਪਾਲੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਭੈਣ ਰੁਕਮਣ ਤੂੰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਸਗੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜੀ ਹੋਈ ਭੈਣ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਯਾਦ ਦਿਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਰੁਕਮਣ ਕਹਿੰਦੀ ਭੈਣ ਕਿਉਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਰਾਣੀ ਭੈਣ ਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਰੁਕਮਣ, ਰਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਰਾਣੀ ਕਿਉਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਤੂੰ ਤੂੰ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਰਾਣੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਨੌਕਰਾਣੀ, ਤੂੰ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਰਾਣੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਨੌਕਰਾਣੀ, ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਬਣ ਸਕਦੀ? ਤਾਰਾ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਭੈਣ, ਤੂੰ ਰੁਕਮਣ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਰੁਕਮਣ ਹੈ, ਔਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜੀ ਹੋਈ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਯਾਦ ਨਾ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਤਾਰਾ ਨੇ ਕੀ ਕਰਿਆ, ਆਪਣਾ ਦੁਪੱਟਾ ਕੱਢਿਆ, ਉਹਦੇ ਗਲ ਚ ਪਾਇਆ, ਉਹਦਾ ਦੁਪੱਟਾ ਆਪਣੇ ਗਲ ਚ ਪਾਇਆ, ਦੋਨੋਂ ਤਰਫ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਤਾੜੀ ਵਜਾ ਦਿਓ, ਦੋਨੋਂ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਗਵੱਟ ਭਰਾ ਬਣਦੇ ਸੀਗੇ, ਪੱਗਵੱਟ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਗੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ, ਦੋਨੋਂ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬਣੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਰੁਕਮਣ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ
मां दी जोत जग रही सी सामने कहंदी भैन आ दीवा की चीज जग रहा है दीवा दस्या रुक्मणी को कि ज्ञान नहीं सीगा रुक्मणी फिर तारा ने दस्या कहंदी भैन ए दीवा नहीं ए मां दी अखंड जोत है पवित्र जोत है जिस जोत तो धन वाले धन दुध वाले दुध पुत वाले पुत बख्शे जाते हैं ऐ मां तेरी ज्योति से नूर मिलता है ऐ मां तेरी ज्योति से नूर मिलता है गमे दिल को सुरूर मिलता है जो भी तेरे दर पे सच्चे मन से मांगता है उसे कुछ ना कुछ जरूर मिलता है जिहड़ा सच्चे मन दे नाल मंगता है उसनू कुछ ना कुछ जरूर मिलता है सो जिस तरह ही उसने कहा कि कुछ ना कुछ जरूर मिलता है तां फिर रुक्मण कहंदी भैन तू मेरी भैन बन गई राणी ਇਹ ਦੱਸ ਜੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਮੰਗਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਕਹਿੰਦੀ ਪੈਣਾ ਵਸ ਮਿਲੇਗਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਸਵਾ ਟਕਾ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਤੇਰੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਂ ਕੀ ਜੋਤ ਅੱਗੇ ਖੜ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਤੇਰੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕਦੇ ਆਲਿਆਂ 'ਚ ਰੱਖਦਿਆ ਕਦੇ ਕੁੱਜਿਆਂ 'ਚ ਰੱਖਦਿਆ ਪੇਟੀਆਂ 'ਚ ਦਹੀਂ ਗੇਰਦਾ ਏਦਾਂ ਸੋਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸੋਨਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਸਵਾ ਟਕਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਲਿਆ ਰੁਕਮਣ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਰੁਕਮਣ ਕਹਿੰਦੀ ਮਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵਾ ਟਕੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਸਾਲ ਨੂੰ ਔਲਾਦ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਲੜਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਉਹ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜਗਰਾਤਾ ਕਰਾਵਾਂਗੀ ਬੋਲ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ जगराता सोना नहीं सोना जी भी देखो जगराता सुख लिया के मां जब मेरा बच्चा 5 साल का होएगा मैं तेरे नाम का जगराता करावांगी जगराता सुख के अपने घर जान वाली सी सो पहला रुक्मण दी अरदास कलाबू वाले कराने के उस तो बाद किसी ने करानी होवे अपने नाम दी अरदास करा सकता है नहीं तो आप कथा अगे लेके चलिए क्योंकि किसी ने भैन भरा वाले काम कर वाले किसी ने भी अरदास करानी हो क्योंकि ये रुक्मण की जिहड़ी अरदास होती है जगराते दे विच सब तो वड्डी अरदास मनी जाती है जिस तरह रुक्मण की झोली भरी सी उस तरह ही जिहड़ा भी भगत अपने मन की अरदास कराएगा क्लब वालों तक करानी पेगी जो भी शर्त है बाकी किसी की इच्छा है अरदास कराने की कराओ नहीं तो आप कथा अगे लेके चलिए जो भी शर्त है विधि है जागरण की रुक्मण की अरदास जे किसी भक्त ने करवानी हो अपनी मनोकामना भैन भरा बारे काम कार बारे बाहर अंदर जाने वास्ते बच्चे की औलाद दात मंगने वास्ते किसी ने भी अपने नाम से अरदास करानी वो करा सकता है सब तो पहला आज जिन्हें भी क्लब हो मैंबर है उन्होंने नाम की अरदास होगी मां तेरे बच्चे की अरदास क्लब मैंबर की अरदास ਜਿਹੜੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਨਾਲ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਅਰਦਾਸ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਦੂਰ 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 ਕਰਨਾ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਜੈ ਜੋ ਤੁਕ ਮੰਗਤ ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰੁਕਮਣ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲੀ ਗਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲੀ ਗਈ ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਗਿਆ ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਗਿਆ ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾ ਬੱਚਾ ਜੋ ਹੋਇਆ ਤਾਰਾ ਦੇ ਲੜਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਲੜਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਰਾ ਦੇ ਘਰ ਉਸਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸਮੇਂ ਹੀ ਲੰਘਿਆ ਉਧਰ ਰੁਕਮਣ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਔਲਾਦ ਵੀ ਲੜਕਾ ਹੋਇਆ ਦੋਨੋਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਘਰ ਲੜਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਉਹ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਔਰ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤਾਰਾ ਰਾਣੀ ਦਾ ਲੜਕਾ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲ ਰਿਹਾ ਰੁਕਮਣ ਦਾ ਲੜਕਾ ਝੁੰਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲ ਰਿਹਾ ਸੰਤਾਨ ਉਹ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਬੋਲ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਬੱਚਾ ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਇਆ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਇਆ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਇਆ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਰੁਕਮਣ ਭੁੱਲ ਗਈ ਜਗਰਾਤਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮੋਹ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗਰਾਤਾ ਭੁੱਲ ਗਈ ਉਧਰ ਮਾਂ ਨੇ ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਬਈ ਖਾਤਾ ਖੋਲੋ ਦੇਖੋ ਕਿਹਦੀ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਆਪਣੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ
जो हनुमान जी ने बही खाता खोलिया देखा पहला ही नाम रुकमण का आ गया। हनुमान जी कहते मां ये कोई रुकमण है तेरी भगतनी जिड़ी जगराता भुली बैठी है। कहते हनुमान जी याद करा के आओ। रात नूं 12 बजे हनुमान जी गए बच्चे के शरीर के उत्ते हाथ फेरिया आ गए। कहते कोई मां ऐसी नहीं होंदी जिहड़ी अपने बच्चे नूं जदों तक चलन फिरन लायक नहीं हो जाता सुती पई उठदे सार अपने बच्चे नूं देखदी है कि मेरा बच्चा सीधा पिया या मुद्दा पिया गीले च पिया या सुके च पिया। उस तरह ही रुकमण की अख खुली बच्चे नूं देखिया बच्चे के शरीर के उत्ते छोटे छोटे लाल लाल रंग के दाने जिन्हों आपां शीतला माई की मेहर कह दिंदे हां। जयकारा शीतला माई जी दा। क्योंकि तीन देवी देवते ऐसे हैं जिन्हें हर संसार कुल जहान मनता है और हर कौम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे मनते हैं। वो केड़े केड़े एक शीतला माई और दूजा गुग्गा जारती या करा गुग्गा जारती महाराज जी का। एक शीतला माई गुग्गा जारती और एक और माई है वो केड़ी जिन्हों कोई भी नहीं कह सकता मेरे घर में आई लक्ष्मी माई बोलो कह देगा कोई मेरे घर में आई। जिन्हें मर्जी धर्म हो सारे धर्म वाले सवेरे उठ के कहने हे लक्ष्मी हे लक्ष्मी हे लक्ष्मी। उदा नाम नहीं भूल सकते आप कह देना असी ये नहीं इहदा नाम नहीं लेना असी उहदा नाम नहीं लेना असी उहदी पूजा नहीं करनी असी उहदी लेकिन लक्ष्मी की पूजा तो सारे ही करनगे सच्चे दरबार की जय दरबार की जय। बच्चे के शरीर के उत्ते लाल रंग के दाने हुए गोद विच बच्चा उठाया बैठा हकीमा को लेके कित इलाज ना होया आखिर तारा को लिया तारा ने जो निगाह मारी कहती भैन तेरे तो भुल आई हुई याद कर कोई सुखना तो नहीं देनी जो तो सुखना का नाम आया उसी टाइम रुकमण नूं याद आ गया कहते हाँ भैन जिस दिन मैं पहले दिन आई सी मैं इतने अरदास करके गई सी मैं मेरा बच्चा जो 5 साल का हो जाएगा मैं तेरे नाम का जगराता करावा। कहती भैन तू जगराता कराया कहती भैन मैं जगराते बारे नहीं पता जगराते कितना होएगा कौन करेगा मैं जगराते की विधि नहीं पता जगराता कितना होएगा। कहती भैन विधि मैं दस दी है बाजार जा बाजार के लाल पन्ना लाल पन्ना लेके हल्दी केसर के नाल चावल तिलक करके उन्होंने रला के एक परने के बन के गठ मार के पंडित को देखे जिन्हें जगराता करना बहुत सच्चे दरबार की जिदा इन्होंने मैं डल दिते सताई तारीख हाँ सताई तारीख को काली माता मंदिर साडा प्रोग्राम सीगा जिहड़ा कि असीं हर मंगलवार उत्थे काली माता मंदिर प्रोग्राम करते हैं हनुमान चालीसा का पाठ होता है उत्थे ते एक वड्डा प्रोग्राम होंदा साल च फरवरी दे महीने च सताई फरवरी सीगा उत्थे प्रोग्राम उस दिन यह मैनूं डल दे के आए हैं जिस तरह रुकमण नूं दस रहे रुकमण जा बाजार दे उच्च लाल पन्ना लेके उहदे विच कच्चे चावल हल्दी केसर तिलक मिला के दान दक्षिणा पा के पंडित जी नूं देखे जिन्हें जगराता करना है। रुकमण गई बाजार बाजार दे लाल पन्ना लिया लाल पन्ना लेके उसनूं कच्चे चावल विच बन के गंठ मार के पंडित जी कोल के पंडित जी मेरे घर जगराता करना है। पंडित जी कहते रुकमण तू जगराता कराना है किसी मंदिर च करा ले किसी धर्मशाला च करा ले असीं तेरा जगराता कर देंगे लेकिन तेरे घर जगराता नहीं कर सकते। क्यों पंडित जी मेरे घर जगराता क्यों नहीं कर सकते रुकमण तेरे घर का असीं पानी भी नहीं पी सकते तू जगराता करन नूं कह रहे हो। पंडित जी मेरे घर का पानी क्यों नहीं पी सकते तुसीं कहते रुकमण तेरे पानी च कोई खराबी नहीं तेरे घर च कोई खराबी नहीं लेकिन जेड़े तेरे बर्तना दे विच मास मीट का प्रयोग होता है इस करके असीं तेरे घर का पानी नहीं पी सकते बहुत सच्चे दरबार की। एक कोल गई दो कोल गई तीन कोल गई सारा का जवाब हो गया। एक पंडित जी कहते रुकमण क्यों इधर उधर भटक रही है असली थम थम किन्नू कहने हैं प्रधान भी तेरी भैन तारा राणी पूरी मंडलियां दी प्रधान है जे ओ तेरे घर जगराता करे जे तेरे गल कबूल कर ले
ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਪੰਡਤ ਭਜਨ ਮੰਡਲੀਆਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਡਤ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਇਹ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੀ ਖਾਣਗੇ ਬੋਲ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਔਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕਾਹਦਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਬੱਕਰੇ ਦੇ ਪੇਟ ਬੱਕਰੇ ਦੇ ਮਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਮਦਰਾ ਸ਼ਰਾਬ ਇਹਦਾ ਭੋਗ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਹ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਗਰਾਤੇ ਤੇ ਉਹ ਚਾਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਆਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਾਜੂ ਬਦਾਮ ਦਖਾਣ ਮਖਾਣੇ ਵਗੈਰਾ ਇਹ ਬੱਕਰੇ ਦੇ ਮਾਸ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਦੇ ਬਣੇ ਸੀ ਗੁਸ਼ਤ ਬਹੁਤ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਜੈ ਤਾਰਾ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਭੈਣੇ ਜਗਰਾਤਾ ਤੂੰ ਕਰ ਸਭ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਤੂੰ ਜਗਰਾਤਾ ਕਰਨਾ ਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਨਾ ਕਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੁਛ ਵੀ ਇਹ ਪਏ ਆ ਡਰ ਤਾਰਾ ਸਗੀ ਭੈਣ ਸੀਗੀ ਜਵਾਬ ਨਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜਾ ਭੈਣ ਅਸ਼ਟਮੀ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਜਗਰਾਤਾ ਕਰਨਾ ਵਾ ਵਾਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਰਾ ਰਾਣੀ ਨੇ ਉੱਧਰ ਜਗਰਾਤੇ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ ਜਗਰਾਤੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤਾਰਾ ਰਾਣੀ ਦਾ ਪਤੀ ਰਾਜਾ ਸ਼ੇਵ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਸ਼ੇਵ ਕਰਾਉਂਦੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਤਰਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਰਾਜੇ ਨੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ ਸਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿ ਸਿਆਣਿਆ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਘਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰਤਾ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਪਾਤਾ ਸਿਆਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜਾ ਪਾਣੀ ਤੇਰਾ ਸਾਬਣ ਤੇਰਾ ਉਸਤਰਾ ਤੇਰਾ ਬੁਰਸ਼ ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਿਆਣੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਘਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰਤਾ ਰਾਜਾ ਪਾਣੀ ਤੇਰਾ ਸਾਫੜ ਤੇਰਾ ਪੁਰਸ਼ ਤੇਰਾ ਉਸ ਤੇਰਾ ਤਰਿਆ ਸਭ ਕੁਛ ਤੇਰਾ ਅਗਰ ਤੇਰੇ ਸਮਾਨ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਤਨਪ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਤਾਰਾ ਰੁਕਮਣੀ ਦੇ ਘਰ ਜਾਏਗੀ ਉੱਥੇ ਮਾਸ ਪੀਠ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਖਾਏਗੀ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ ਤੇਰਾ ਧਰਮ ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਆਣਾ ਤੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਰਾਜਾ ਤੇਰੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਰੁਕਮਣੀ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਡੱਲ ਕਬੂਲ ਕਰੇ ਔਰ ਡਲਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਵਸ਼ ਜਾਗਰਣ ਚ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਉੱਥੇ ਭੋਗ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਖਾਏਗੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਦੱਸ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਜਾਗਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਵੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਾ ਉਪਾਅ ਇਹ ਹੈ ਚਿਚਲੀ ਉਂਗਲੀ ਤੇ ਪੱਛ ਮਾਰ ਪਲੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੂਣ ਮਿਰਚ ਦੀ ਪੱਟੀ ਬੰਨ ਲੈ ਲਾਲਾ ਰਾਜਾ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਤੈਨੂੰ ਤੜਫ ਰਹੇਗੀ ਔਰ ਤੇਰੀ ਪਤਨੀ ਤਾਰਾ ਰੁਕਮਣ ਦੇ ਘਰ ਜਗਰਾਤੇ ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾਏਗੀ ਉਸਨੂੰ ਕਹਿ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਪੱਟ ਦਾ ਸਰਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੋਲ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਿਆ ਪੱਚ ਮਾਰ ਕੇ ਨੂਣ ਮਿਰਚ ਦੀ ਪੱਟੀ ਬਣ ਕੇ ਹਾਏ ਦੁਆਈ ਕਰਦਾ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤਾਰਾ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਣੇ ਕੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੱਠ ਦਾ ਸਰਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਤਨੀ ਸੀਗੀ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇ ਸਕੀ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੀ ਐਸਾ ਸੀਗਾ ਨਾ ਤਾਂ ਪਤਨੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੀ ਸੀਗੀ ਨਾ ਹੀ ਪਤਨੀ ਪਤੀ ਦਾ ਕਿਹਾ ਮੋੜਦੀ ਸੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਇਹ ਸੋਨੂ ਜੀ ਕਹਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਹੱਥੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਮੋਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਸੋਨੂ ਜੀ ਪੀਪੀ ਜੀ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਜੈ ਔਰ ਪਤੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰਕੇ ਥੱਕ ਹਾਰ ਕੇ ਆਵੇ ਹੈ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਭਗਵਾਨ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਲਾ ਦੇ ਭਗਵਾਨ ਬੈਠੀ ਐਲਸੀਡੀ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਲਸੀਡੀ ਦੇਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਸੀਰੀਅਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਠਹਿਰ ਦਿਓ ਜੀ ਠਹਿਰ ਦਿਓ ਜੀ ਠਹਿਰ ਦਿਓ ਜੀ ਉਹ ਪਿਆਸਾ ਬੈਠਿਆ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਿਚਾਰਾ ਤੇ ਉਹ ਸੀਰੀਅਲ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਵਾਨ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਲਾ ਦੇ ਕਹਿੰਦੀ ਲੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਦੀ ਡੀਕਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪੀ ਲਓ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਪਲਾ ਦੋ ਸਾਪਾ ਫਿਰ ਪਤੀ ਦੇ ਗੱਲ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਜੈ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਫੋਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਬਜ਼ੀ ਸੜਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਫੋਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਗੇ ਉਧਰ ਦੁੱਧ ਉਬਲ ਜਾਂਦਾ ਫੋਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਗੇ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਤਾੜੀ ਤਾਂ ਵਜਾ ਦੋ ਔਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤਿਆਰ ਹੈ ਆ ਗਿਆ ਵਸੂ ਜਲਦੀ ਉਨੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ
जिस तरह ही राजे ने फरियाद करी तारा नु कि मैं पड़ता सराहना चाहिए, तारा ने पड़ता सराहना दिया। क्यों राजे ने पड़ता सराहना मंगया? कि जो तो तारा हिलिया करेगी जान वास्ते मैं पता लग जा करेगा। उधर ढोलक चिमटे छैण की आवाज आने लग गई, क्योंकि भगत महल के जाके कह नहीं सकते, सिर्फ उन्होंने इशारा कर ढोलक चिमटे बजा के भेटा गाते हुए कि तारा असी जगराते दे विच पहुंच रहे, तू पहुंच। हुण तारा फरियाद कर रही, मां मैं किवें तेरे जगराते दे विच जावां, मेरा राजा पिया है जागदा, कोई ऐसी कृपा कर मेरे राजे नूं नींद आ जाए। हवा दे ठंडे ठंडे झोले चले, राजे नूं नींद आ गई। तारा रानी ने अपनी साड़ी के पल्लू के नाल महला तो उतरी, रुकमणी के घर नूं खोली। रुकमणी के घर जांदे दो चोर मिल गए। चोरां ने तारा नूं लुटण की कोशिश करी, लेकिन तारा ने महाकाली का नाम लेके खंडा कड्डा, खंडे के नाल एक चोर से वार करा, चोर की उठी गर्दन धड़ तो अलग कर दी, चोर मर गया। एक चोर ने भज के जान बचाई। सोना नहीं सच्चे दरबार की, दरबार की, क्योंकि सोना नहीं। बस देखो थोड़ा जा टाइम रह गया, ज्यादा समय नहीं। मैनू भी पता है भी सब ने अपने अपने बिजनेस, अपने अपने काम कार करने, किसी ने रोटी बनानी, किसी ने सब्जी बनानी, किसी ने कपड़े धोने, किसी ने कुछ करना, तो असं भी अपने काम कार देखने जाके असं भी वेले नहीं है घर तो, भी इतने बैठे रहेंगे। सच्चे दरबार की, दरबार की, दरबार की। एक चोर ने भज के जान बचाई। तारा रानी फिर रुकमणी के घर बोली, चोर वापस आया, उसने देखा कि मेरा साथी मारा गया। उत्थे पैर दे पजेब गिर गई, जिन्हों उस टाइम कहते थे पुआ, उन्हें पुआ कहते, जिन्हों अजकल आप चैना पजेबा कह लगे। वो पैर का पुआ गिरा, चोर ने उठाया, अखा तोड़ना हो गया, रखिया फिर अखा की रोशनी आ गई, फिर उठाया फिर अन्ना हो गया, फिर रखी फिर रोशनी आ गई। इस तरह करते करते उधर राजे की भी अख खुल गई। राजे ने देखा तारा रानी महल के नहीं है। राजे ने फटे पुराने कपड़े पाए, क्यों पाए फटे पुराने? क्योंकि उन्हें पीला झुंगे के वड़ना। जे राजे ने राजे वाली पोशाक पा ली तो उन्होंने वड़न नहीं देना। उसने बोल सच्चे दरबार की। सच्चे दरबार की। राजा भी पीछे पीछे हो लिया, देखिया चोर कदे पजेब उठा रहा, कदे रख रहा, कदे उठा रहा। राजे ने पहचान ली, मैं तो मेरी पत्नी की पजेब है। राजा भी रुकमणी के घर हो लिया और तारा रानी सीधी दरवाजे के अंदर गई। कहती भगतो फटाफट आरती उतारो, फटाफट जल चलाओ, फटाफट भोग प्रसाद बंडाओ, कि मेरा राजा ना जाग जाए। बोल सच्चे दरबार की। आज नूप राजा जी, नूपा जी सो रहे, गिरोह दे उपर बाल्टी पड़ गई, आज नूपा जी आ जाओ। आज
हेलो महामाई तेरे नाम दे जिहड़े दल बने सीगे भगतां ने अज दिन तरीक दे विच मां तेरे चरण विच दल अर्पण करन जा रहे हैं। इज्जत मान बख्शना सुख शांति बख्शना तेरे भगतां ने तेरे नाम दा जो जागरण कराया सीगा जो संपूर्ण होण लई जा रहा है। और महामाई तेरे भगतां दे इह दल बने सीगे राजू बाबा जागरण परिवार नूं दित्ते सीगे। अज जिस तरह रोपण दे घर जाके तारा राणी ने डल चलाए सीगे उस तरह ही राजू बाबा जागरण परिवार मां तेरे चरणां विच डल अर्पण कर रहे हैं। जय माता दी। चला दो चने भी मंगा दो बोल सच्चे दरबार की सच्चे दरबार की सच्चे दरबार की प्रसाद तैयार है बस थोड़े को पहुंचने वाला ही है दो मिनट बस क्योंकि कहीं तो सुन ले तीन बजे लग गया होया कहने वास्ते प्रसाद तैयार है प्रसाद तैयार है प्रसाद तैयार है। बोल सच्चे दरबार की जिस तरह ही तारा रुकमण के घर पहुंची फटाफट डल चढ़े फटाफट भोग प्रसाद लवाया पहली झोली भरी रुकमण की क्योंकि जगराता रुकमण ने कराया सी। दूसरी झोली भरी तारा राणी की जो तारा राणी की झोली के प्रसाद पाया जा रहा सीगा राजा टूटे हुए दरवाजे के देख रहा सीगा कि प्रसाद झोली के केड़ा पाया जा रहा है। जो राजे ने प्रसाद देखा पाते हुए जो तारा राणी प्रसाद लेके बाहर आई उस टाइम राजे ने दरवाजे के रोक लिया कि तारा पहले अपनी झोली दिखा मैं तारा कहते राजा महल के चल मैं तेन अपनी झोली दिखा आ गुड्डी देखी कुर्सी से कितना सुती पी भी प्रसाद मेरे मुंह ही पा दो सच्चे दरबार की दरबार की बेटा उठ के बैठ प्रसाद आ रहे देख ले सच्चे दरबार की जय। तो जिस तरह ही तारा बाहर आई राजे ने रोक ला कि पहले मैंने अपनी चोली दिखा तारा कहती राजा महल दे विच चल मैं अपना पल्लू दिखा दूं जो कुछ है नहीं तारा मैं तो झूली इतनी देखनी है आपस जिद बहस हुई दोनों की राजे ने साड़ी का पल्लू फड़िया जो खिंचया उसके की निकलिया गिरी छोरे की सुशमेवा वैष्णु प्रसाद जय करा वैष्णु माई जी का जय करा वैष्णु माई जी का वैष्णु प्रसाद बन गया। वैष्णु प्रसाद किस तरह बनाया है हड्डियां दे बने काजू बदाम मखाने
और अदलिया दे बने छुआरे लहू दा बनया केसर जिहड़ा तिलक लगांदे सारे सच्चे दरबार की राजा कहिंदा तारा मैं अपनी अखां दे नाल देखिया सीगा तेरी चुड़ी दे विच मांस मीट दे टुकड़े पाए गए सीगे इह वैष्णो प्रसाद किस तरह हो गया आजा भाई आजा दस मिनट बैठ जा हुण ना जाई एक प्रसाद होर मिल जा आजा पहला एक खा ले फिर होर दबांगे दवे डिप्टी जी सेवा कराओ फिर थोड़ा थोड़ा प्रसाद दियो गोड़ी हुण रोला किसे ने नहीं पाना गिनती करके दे काजू जरूर दे सच्चे दरबार की नहीं देखो प्रसाद का ना दो दाने भी मिल जान ओहो बहुत होते हैं क्योंकि ज्यादा प्रसाद पे नहीं खाना चाहिए दुख बंड के खाने चाहिए सारा दुख आप नहीं खाना चाहिए सच्चे दरबार की दरबार की दरबार की जिस तरह ही राजे ने पल्लू चाड़िया देखा वैष्णो प्रसाद हो गया तारा ने पूछ रहे कि तारा पहले मैंने दस वैष्णो प्रसाद किस तरह होया तारा कहते राजा तेरी देखने वाली अख नहीं पर मां में तो वक नहीं तेनों वो मांस के टुकड़े नजर आ रहे थे लेकिन मेरी चोली के बीच वैष्णो ही प्रसाद पै रहा है बहुत सच्चे दरबार की वैष्णो प्रसाद पै रहा है राजा वैष्णो प्रसाद राजा कहता मैं तेरी मां की शक्ति देख ली मैं तेरी मां का पंथ देखना है मैं तेरी मां की शक्ति देखनी है राजा कह लग गया तारा कहती राजा मेरी मां की शक्ति देखनी खंडे की धार है तेरे चली नहीं जाने राजा कहता नहीं तारा मैं तेरी मां की शक्ति देखनी जो तू कहेंगी मैं करने तैयार हूं सच्चे दरबार की प्रसाद लेने वाले हो रहा सच्चे दरबार की जय सो जिस तरह ही राजे ने कहा कि मैं तेरी मां की शक्ति देख रही तारा कहते राजा ठीक है जो मैं कहूंगी करना पड़ेगा राजा कहता ठीक है मैं करूंगा जा राजा सब तो पहले जीत तेरे केड़ी है राजा कहता सबसे पहला मेनू मेरा घोड़ा जा फिर राजा उसका हवन करा उसका यज्ञ करा उसका शीश कट के उसके टुकड़े करके मेरे को लेके आ राजा कहता तारा कुछ और मांग ले मेरे को धन दौलत पुत राजा मैंने तेरी धन दौलत नहीं चाहिए जो मैं कहूंगी करना पड़ेगा जा अपने घोड़े का शीश उतार के लेके जे मेरी मां की शक्ति देखनी है राजा कहता ठीक है तारा चुप चुप खंडा राजा तुर पिया पहुंचिया तबेले विच जा तबेला अजकल दे बच्चे नहीं पता तबेला क्या होता है तबेला किस नु कहते हैं जिथे खच्चर घोड़े बनने जाते हैं उन्हें तबेला कहते हैं खिच खंडा राजा तुर पिया पहुंचिया तबेले विच जा खिच खंडा राजा ने मारिया दिता घोड़े दा शीश उतार घोड़े दा शीश उतार टुकड़े करके तारा कोल आ गया ले तारा मैं तेरे लई घोड़े दे भी बलि दे तारा कहंदी राजा ठीक है एक कड़ाहा पिया बलटोया इहदे विच पा दे उसने मार दिया टुकड़े बिच पाते हुण तारा मैनूं अपनी मां दी शक्ति दस राजा सबर कर मेरी होर भी कुछ शर्त है कहिंदे जल्दी बोल तारा तेरी होर शर्त केड़ी है राजा होर प्यारी चीज तेनूं केड़ी है तां राजा कहिंदा मैनूं सब तों प्यारा मेरा बेटा राजकुमार मेरा बेटा राजकुमार जिन्हों मैं दिलो जान तो चाहना तारा कहिंदी राजा जा उसका भी हवन करा उसका भी शीश कट के लेके आ राजा धोतर मार के रो पिया के तारा तू तो इतनी निर्दयी हो गई जिस पुत्र ने तू जन्म दिया पालिया परोसा बड़ा करया आज तू उसका ही शीश कटन नु कह रही तारा कहिंदी राजा रिश्ते नाते दी कोई अहमियत नहीं
अगर मेरी मां की शक्ति दिखनी है जा अपने बच्चे का शीश कट के लिया। राजा कहता ठीक है तारा। चुप खड़ा राजा तुर पिया पहुंचिया महल विच जा। महल विच जाके अपने बच्चे नु कहता कहते बेटा राजकुमार वो देख सामने मोर जा रहा है। जो बच्चे ने गर्दन उठाई मोर देखने वास्ते राजे ने पीछे कटार मारी अपने बच्चे दे टुकड़े टुकड़े कर दिए। बहुत सच्चे दरबार की ਉਹ ਵੀ ਟੁਕੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਰਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਤਾਰਾ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸਤਾਰਾ ਨੇ ਉਹ ਕੜਾਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਘੋੜੇ ਦਿੱਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਪਾਤੇ ਥੱਲੇ ਅੱਗ ਬਾਲਣ। ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਬਾਲਣ ਲੱਗੀ ਰਾਜੇ ਨੇ ਬਾਹ ਫੜ ਲਈ ਕਿ ਤਾਰਾ ਇਹ ਅੱਗ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਬਾਲੇਗੀ। ਅਗਰ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਇਹ ਅਗਨੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨੈਚੁਰਲ ਮਾਰਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਪੱਥਰ ਕਸਾ ਕੇ ਅੱਗ ਬਾਲਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਬਹੁਤ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਰਾ ਇਹ ਅਗਨੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੰਡ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹੁਣ ਤਾਰਾ ਕਿਸਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਂ ਜਵਾਲਾ। ਹੋ ਜਾਗੋ ਜਾਗੋ ਜਵਾਲਾ ਮਾਂ ਤੇਰਾ ਆਉਣ ਦਾ ਪਹਿਰ। ਜਾਗੋ ਜਾਗੋ ਜਵਾਲਾ ਮਾਂ ਤੇਰਾ ਆਉਣ ਦਾ ਪਹਿਰ। ਸੱਤੋ ਤਬਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਤੇਰਾ ਆਉਣ ਦਾ ਪਹਿਰ। ਜਾਗੋ ਜਾਗੋ ਜਵਾਲਾ ਮਾਂ ਤੇਰਾ ਆਉਣ ਦਾ ਪਹਿਰ। ਮਾਂ ਜਵਾਲਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਿਆ ਜਵਾਲਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਸੀਗੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾਇਆ ਪੰਜ ਛਾਂਦੇ ਸਾਜੇ। ਰਾਜਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਨੂੰ ਲਗਵਾ ਕੇ ਹਾਂਜੀ ਰੂਪਾ ਜੀ ਆਇਆ। ਦੂਸਰਾ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤੀਸਰਾ ਵੀ ਪਿਆ। ਬਸ 15-20 ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੰਡਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਚੱਕ ਰਾਜਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਵਾ। ਮਾਸ ਦੇ ਟੁਕੜਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲਵਾਇਆ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹ ਮਾਸ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲਗਾਇਆ ਜੋਤ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣ ਗਿਆ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ। ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣ ਗਿਆ। ਰਾਜਾ ਦੂਜਾ ਛਾਤਾ ਚੱਕ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਵਾ। ਰਾਜਾ ਧੁੱਪਾ ਰਾਜਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤਾਰਾ ਤੂੰ ਪਾਗਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਸ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਟੁਕਿਆ ਮਾਰਿਆ ਤੂੰ ਉਸ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲਵਾ ਕੇ। ਰਾਜਾ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾ ਤਬੇਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲਵਾ ਕੇ ਆ। ਰਾਜਾ ਗਿਆ ਤਬੇਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਘੋੜਾ ਦੇਖਿਆ ਉਹੀ ਰੰਗ ਉਹੀ ਰੂਪ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਜ਼ਰੂਰ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਜਾਦਵ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਉਹੀ ਘੜਾ ਉਹੀ ਘੋੜਾ ਉਹੀ ਰੰਗ ਰੂਪ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਤਿਆ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਮਾਸ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਖਵਾਇਆ ਉਹ ਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣ ਗਿਆ ਛੋਲੇ ਕਾਲੇ ਛੋਲੇ ਬਣ ਗਏ। ਤਾੜੀ ਵਜਾ ਦਿਓ ਛੋਲੇ ਬਈ ਛੋਲੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਨਾ ਬੋਲੇ। ਜਿਹੜਾ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਨਾ ਬੋਲੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬੋਲਣਾ। ਬਹੁਤ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਦਰਬਾਰ ਕੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਮਾਂ ਨਾਮ ਐਸਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਸਿੱਖਿਆ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨੀ ਮਾਂ ਕਹਿਣਾ ਸਿੱਖਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਮਾਂ ਕਹਿਣਾ ਸਿੱਖਿਆ। ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਦਰਬਾਰ ਕੀ। ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲਵਾਇਆ ਕਾਲੇ ਚਣੇ ਬਣ ਗਏ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੀ ਰਾਜਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤੂੰ ਖਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਖਾਵਾਂਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵੀ ਮਾਸ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਮਾਸ ਦੇ ਵੀ ਟੁਕੜੇ ਆ। ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਮਾਸ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਚੱਕਿਆ ਜੀਭ ਜਾੜ ਥੱਲੇ ਦਿਆ ਉਸਦੇ ਜਾੜ ਥੱਲੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਉਸਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਚਿਚਲੀ ਉਂਗਲੀ ਆ ਗਈ। ਰਾਜਾ ਤੋਂ ਹੱਥਣ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋ ਪਿਆ ਕਿ ਤਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇ। ਜੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਵਾਪਸ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਲਾਂਗਾ। ਬਹੁਤ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ। ਤਾਰਾ ਕਹਿੰਦੀ ਰਾਜਾ ਹਾਰ ਗਿਆ
तू तो इतना हंकार कर रहा है नहीं तारा मैंने तेरी माँ की शक्ति नहीं चाहिए मेरा मेरा बच्चा चाहिए। ठीक है राजा ये ढूंढना चक चक जा महल में जवाब का छादा चक्कर ढूंढे चक्कर आवाज लगाई बेटा राजकुमार बेटा राजकुमार बेटा राजकुमार बेटा राजकुमार बेटा राजकुमार नहीं आया। फिर आवाज लगाई फिर नहीं आया फिर आवाज लगाई फिर नहीं आया। जब चौथी बार आवाज लगाई फिर मां को पता चल गया मां कहती राजकुमार तेरे पिता तेन बुला रहे कहते माता मैं तेरी गोद दे विच बैठा स्वर्ग च बैठा मैनू इतने इन्ना खान पीन मिल रहा है और मैं स्वर्ग च बैठा मां मैनू क्यों नरक च फिर दोबारे भेज रही है। पर मां तो मां है जगत मां है क्योंकि सब दी मां जगत मां। कहते किनिया माता है इंसान दिया पांच मैं गड़ा दिना केड़ी केड़ी है। पहली मां जिसने अरे बोलो सारे पहली मां जिसने जन्म दिया दूसरी मां धरती मां जिदा सीना चीर के अपा जीवत है अनाज पैदा है। पहली मां जिसने जन्म दिया दूसरी मां धरती मां तीसरी मां आदि शक्ति जगदम्बा मां जिदा सारे देश हाथ है और चौथी गौ माता जिदी पहली रोटी वो भी खा जाते और पंजवी गंगा मैया जिथे अंत समय जाके आराम सच्चे दरबार की दरबार की दरबार की जे सस गई होवे ना हरिद्वार तीर्थ यात्रा तनु घर बैठी अरदास करी जाती हूं ताई हुई है उठी रख ले सच्चे दरबार की दरबार की दरबार की दरबार की आवाज लगाई बेटा राजकुमार बेटा राजकुमार बेटा राजकुमार राजकुमार नहीं आया। मां तो मां है जगत मां है मां ने कहा अरे बेटा राजकुमार तेरे तो पिता बुला रहे मां ने उस महल दे विच पहुंचाया। जो राजा भज के अपने बच्चे को आन लगे कहते पिता जी मेरे नजदीक ना आना कहते क्यों बेटा मैं तो इन आवाजा मारी है कहते यही तो गलती करी मैं क्यों आवाजा मारी है मैं मां की गोद दे विच बैठा सीगा स्वर्ग च बैठा सीगा तुसी आवाजा मार मार के मैं फिर नरक च बुला लिया बहुत सच्चे दरबार की। जब राजे ने इन गल सुनी कि मेरा बच्चा मां की गोद दे विच बैठ के आया मैं ना कुछ करके मां की परछाई तक नहीं देख सकया मैं ना कुछ करके मां की परछाई तक नहीं देख सकया मेरा बच्चा मां की गोद विच बैठ के आया राजे नु ज्ञान हो गया। राजे ने अपना हंकार छड़ के बच्चे नु नाल लिया अपनी पत्नी के पैर के विच जाके गिर गया बहुत सच्चे दरबार की तारा रानी ने ताड़ी बजा दो पत्नी के पैर के विच जाके गिर गया क्योंकि औरत जो है कई रूप है मां आशक्ति जगदम्बा का ही रूप है औरत का और इसके कई रूप है। मां की नजर से देखे तो मां है औरत मां की नजर से देखे तो मां है औरत बहन की नजर से देखे तो बहन है औरत पत्नी की नजर से देखे तो पत्नी है औरत। राजा अपनी पत्नी के पैर के पीछे जाके गिर गया कि तारा मैनु माफ कर दे मेरे तो भूल हो गई ये जो भी मेरी धन दौलत है ये सारा तेरा है चुप भाई दो मिनट ये सारा सब कुछ तेरा है। तारा कहती राजा तेरी धन दौलत महलवाड़ी है मैंने नहीं चाहिए हाँ अगर बनवाना चाहता शहर तो बारे मंदिर बनवा दे जिथे दिन रात आरतियां होती रहन दिन रात भजन कीर्तन चलते रहन राजपाट त्याग के शरण ज्वालपा की जा। राजे ने शहर तो बारिक मंदिर बनवाया जिथे नित नेम राजा राजकुमार और उदी धर्मपत्नी तारा पूजा करते सेवा करते बाणी पढ़ते और अमृत वेले दोपहर शाम मां दी पूजा पाठ करते 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 सेवा करते 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 उसी जोत विच समा गए बहुत सच्चे दरबार ताड़ी बजा दो। ऐसे तारा रानी की कथा समाप्त क्योंकि
समय समय के हिसाब से कथा शुरू की जाती है, समय के हिसाब से समाप्ति दी जाती है। एक कथा है नाम कथन का, कथा है नाम कथन का, जिन्ना मर्जी कथी जाओ कथा कदी भी संपूर्ण नहीं हो सकती। किसी ग्रंथ की, किसी पथ की, किसी ग्रंथ की कथा कोई भी संपूर्ण नहीं कर पाएगा। साढ़े वर्ग कथा वच पता नहीं किन्ने चले गए, क्योंकि एक कथा है कथा नाम का, इन्हें जिन्ना मर्जी कथी जाओ कथा कदे भी समाप्त नहीं होती। तो समय समय के हिसाब नाल कथा शुरू की जाती है, समय के हिसाब नाल ही समाप्ति की जाती है। मेरे तो कोई भूल चुक हुई हो माफ करना, क्योंकि यह इंसान गलतियां का पुतला है, तो भूलना हो भी जाती है। जे मैं किसी को माड़ा चंगा बोलिया होव तो मैंने माफ करना, तो इतने ही जागरण की संपूर्ण मैं इजाजत चाहूंगा। और अगर जगराता पसंद आया तो ताड़ी बजा दो। शुक्रिया। एक बारी हो चलो।